तीनों तो मिलने वैसे ही मुश्किल है, तो वो मिलेंगे तो लिटिगेशन होगा, जरूरी नहीं है ना। अगर तीनों पॉजिटिव हैं या दो खराब हैं, एक पॉजिटिव है या एक खराब है, दो पॉजिटिव है, फिर क्यों होगा ये ना। जैसे वीनस की दशा हो, महादशा वीनस की, उसमें नहीं है, केतु या राहु उसमें अगर कहीं अंतरदशा में आ गए मैं तो कहता हूँ यार होएगा, लेकिन इट विल नॉट बी बिग थिंग, इट विल बी स्मॉल, छोटी सी बात है, उसमें कोई समस्या नहीं। जब तक दशा मेजरली लिटिगेशन नहीं हो जाती, क्लेश नहीं राहु पड़ेगा, केतु में भी छह वन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो जो चीज होगी कॉम्बिनेशन में वही होगी। देखो जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ इवेंट्स, उसमें हाउस की सिग्निफिकेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई बात नहीं, इनका आप याद रखना अपना सवाल। जैसे मैरिज में मैंने कोई प्लेनेट के बारे में नहीं बोला कि वीनस आना ही चाहिए मैरिज के लिए, मैंने नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूँ दशा भुक्ति अंतर 2, 7, 11 बोले। अब राहु बोले, केतु बोले, शनि बोले, कोई भी बोले, शादी होगी। ओके इसके बाद अब हम पहला ऐसा इवेंट पे आए हैं जो लिटिगेशन है मैरिज के बाद वाला, और दूसरा डिवोर्स वाला, जिसमें हमने बोला बिना राहु केतु शनि के नहीं होगा, लेकिन राहु केतु शनि में भी होना चाहिए तभी होगा। अगर राहु केतु शनि में जा रहे प्रॉपर्टी परचेज, तो और कुछ नहीं बता रहे, तो वो लिटिगेशन नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी परचेज कराएंगे। जब उनकी बारी आएगी, बारी का मतलब दशा बता रही है मैरिज, भुक्ति बता रही है एजुकेशन, अंतरा बता रहा है प्रॉपर्टी परचेज, कुछ भी ना होना आपकी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे जो है 40-45 मैक्सिमम जो है इवेंट ऑफ लाइफ होने हैं मेजर, ज्योतिष में हमने यही देखना है कि वो होने कब है। भाई साहब हैं, जाते हैं जॉब पे, आते हैं जाते हैं आते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, वो प्रमोशन या कम्बिनेशन आया नहीं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। जब आएगा तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। 5 साल पहले आते हैं प्रमोशन से, कब होगी हम बोलेंगे 5 साल बाद होगी, उससे पहले होना ही कुछ नहीं। तो वो जो इवेंट दशा भुक्ति अंतर में अलाइन नहीं होते, तीनों एक बात नहीं बताते, या जैसे दशा न्यूट्रल होगी तो कोई बात नहीं, तब तक वो इवेंट नहीं होगा। इवेंट वही है मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी। राहु केतु का होना जरूरी है, या अगर ऐसा प्लैनेट 6 से 12 जो कह रहा है राहु से एस्पेक्टेड हो? नहीं, वो भी ठीक है अगर राहु से एस्पेक्टेड है, लेकिन राहु खराब होना चाहिए। राहु पॉजिटिव होगा फिर बात, राहु में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए कभी, अदरवाइज। जैसे कि कोई ग्रह इसका मतलब ये हो गया, अगर राहु केतु शनि किसी के अच्छे हैं तो उसकी जिंदगी में कोई मेजर समस्या नहीं हो सकती, एक ये बात। तो कोई प्लान 6-8-12 दिखा रहा है, तो साथ साथ में 6 सिर्फ 11 भी है, तो सर 6-8-12 का साथ देगा, 11 का साथ देगा? वो तो मैं बता चुका हूँ, आज अब फिर रिपीट कर, मैंने पिछली बार बताया था, मैं आज रिपीट कर। ठीक, आज करते करियर है, तो एक मैरिज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रोफेशन सबसे ज्यादा, एक और उसके बाद मेरा कि एजुकेशन। बच्चा छोटा होगा तो माँ बाप फिर उसी में रमे रहते हैं कि पढ़ना पढ़ता नहीं, किसी के बच्चे भी नहीं पढ़ते। जो बच्चा 99% ला रहा है मार्क्स, वो भी नहीं पढ़ते आजकल के माँ बाप के हिसाब से, नहीं पता नहीं, तो 33% में ही उछलते उछलते आएगा, पास हो गए पास। कई बार मैडम ग्रेस मार्क्स भी पास है, ऐसे में देखो आप। ठीक है, अब हर एक इवेंट ऑफ लाइफ में हाउसेज है, ठीक है, मैरिज में भी थे, एजुकेशन में, इसमें भी ऐसे 2, 6, 7, 10, 11 ये हाउसेज हैं विच आर रिलेटेड टू प्रोफेशन। ठीक है, तो मैंने लिख दिए 2 इज एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड मतलब जो आपने पैसा कमा लिया जोड़ लिया, 6 जॉब, 7 बिजनेस, 10 स्टेटस, नेम एंड फेम। अगर आप SHO, फुल फॉर्म क्या है SHO की? मुझे भी नहीं पता, सबसे सबसे आरामी अवसर, तो उसका नेम है वही हो गया ना, फैशन हाउस है ना। तो आप मुख्यमंत्री, तो मुझे आप हेड क्लर्क हैं, तो आप हेड क्लर्क बाबू हो गए, आप IAS अफसर बड़े साहब हो गए, बैंक मैनेजर, तो बैंक में वो आपका 11 गेन है, गेन ये 11वां हमेशा जो है किसी चीज को पुश करेगा तेजी से करने के लिए। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें होता है कैटलिस्ट, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का कैटलिस्ट है, किसी हाउस के साथ लग जाएगा तो उसकी केमिस्ट्री बदल देता है, वो उसकी केमिस्ट्री में कैटलिस्ट लगा देता है, वो तुरंत वो काम हो जाता है।
ये नहीं है कि बाकी हाउस नहीं कराते, तो शनि शनि धीरे धीरे होते, धीरे धीरे का मतलब है शादी तो ऐसे नहीं कि धीरे धीरे हो रही है, फेरे पढ़ने धीरे धीरे हो जाएंगे, वो मंत्र पढ़ने धीरे करेगा, ऐसे नहीं। मतलब कहने का है कि जो चीज एकदम, जैसे मतलब प्रमोशन, तो एडवांस का एकदम से होने का मतलब क्या, मतलब क्या कि भाई रेगुलर प्रमोशन 5 साल बाद होती है, तो उसने कोई ऐसा बढ़िया काम किया, 11 है तो उसकी 2 साल में हुई थी, ठीक है ना। इस तरह से प्रॉपर्टी परचेज है, प्रॉपर्टी परचेज तो कई तरीके से होती है, पहले तो ऐसे नहीं होती थी, पहले तो जब तक आपके पूरे पैसे नहीं है आप नहीं खरीदते थे, अब तो ज्यादातर प्रॉपर्टी 99% प्रॉपर्टी लोन पे थी, शनि शनि की दी जाती है। लेकिन जब 11 लग जाएगा प्रॉपर्टी के साथ, तो फिर शनि नहीं होगी, कहाँ कर दी टेबल पेमेंट एक तरीके से। 11 का मतलब ये है। अब आ जाता है प्रोफेशन में, प्रोफेशन का और लिटिगेशन का और मैरिज वाला, जो तीनों जो है वो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन। मैरिज का क्या है कि 2-7-11 तीनों चाहिए मोटा मोटा, 6-8-12 में तीनों मोटे मोटे नहीं चाहिए, दो भी कोई होंगे तो काम कर जाएंगे, एक होगा तो नहीं होगा, 6-6 रिपीट हो रहा है, दैट विल नॉट गिव लिटिगेशन। 6-8, 6-12, 8-12 कुछ होंगे या तीनों हो जाए तो। प्रोफेशन में भी सारे नहीं चाहिए, और उसमें लिटिगेशन मैंने बताया था 6-8-12 इज इक्वल टू 8-12, 6-8-12 जितना बुरा है उतना ही 8-12, 6 हट जाए तो फर्क नहीं पड़ता, 6-12 उससे थोड़ा कमजोर है, 6-8 उससे ज्यादा कमजोर है बुरी। प्रोफेशन में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा फर्क का मतलब है कि जितनी स्ट्रेंथ, मतलब जितना पैसा या पोजीशन 2-6-7-10-11 नहीं है, उतना ही 2-6-10-11 या 2-7-10-11 नहीं, उतना ही 6-10-11 नहीं, उतना ही 6-11, उतना ही 10-11 तकरीबन, उतना ही 2-11 तकरीबन, उतना ही 11, कोई लंबा जोड़ा फर्क मोटा मोटा ये। बाकी यहाँ तक जो है हम कह सकते हैं 10-11 वो यहाँ तक लेवल जो है तकरीबन एक ही है, अकेला 10-11 इज इक्वल टू 2-6-7-10 के 7-11 एक ही बात, 2-11 हो या 7-11 एक ही बात, हार्डली मैटर्स है। तो 2 और 7 की स्ट्रेंथ बराबर है तकरीबन तकरीबन ये मान। अब 2-6-7-10-11 हटते ही इसकी स्ट्रेंथ एकदम से रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, 7 हटा दो फर्क नहीं पड़ता, 2 हटा दो फर्क नहीं पड़ता, अकेले हाउसेस भी अच्छे हैं, इवन 3-4-5-9-1 ये भी पैसा देंगे, दाल रोटी देंगे, कभी चावल भी खा सकते, रात में रोटी बताई थी ये चावल कैसे खा, तो दाल रोटी तो देंगे, ठीक है। अब इसका लेवल का हम फर्क कैसे करें आइडिया में, जैसे ये कॉम्बिनेशन वो है जो आपके एजुकेशनल लेवल से आपको लेवल अच्छा, बिल्लू गेट खिड़की वाला कितने क्लास पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा, कुछ खास नहीं पढ़ा ना, मार्क जुकरबर्ग कुछ खास नहीं पढ़ा, आइंस्टाइन कुछ नहीं पढ़ा ना, लेकिन लेवल हाई हो गया, तो मतलब ये हो गया कि ये मैनेजमेंट लेवल हो गया, एक तरह से यूं कह सकते हैं ग्रेजुएट बच्चा IAS बन सकता, मैनेजमेंट जॉब प्राइवेट में भी सेम लेवल की जॉब होती है, गवर्नमेंट में होता है क्योंकि गवर्नमेंट आया तो उसकी बात अलग है। इसके बाद है कि ये हो गया ऑफिसर लेवल में, जितनी आपकी पढ़ाई है उतने ही लेवल की आपको जॉब मिलेगी, ये जितनी पढ़ाई है उससे कम लेवल की, इफ यू हैव डन ग्रेजुएशन कर ली तो इसके ये होंगे वो उसको क्लर्क की जॉब मिलनी है, ये होगा तो उसको उसी लेवल की होगी, ठीक। ये तो हो गए पॉजिटिव। अब नेगेटिव कौन से, नेगेटिव जो हो गए, नेगेटिव का मतलब टर्मिनेशन ऑफ जॉब, या बैंकरप्स, बिजनेसमैन होगा वो बैंकरप्ट होगा, और जो जॉब वाला उसका मैक्सिमम लॉस क्या है कि उसको बोलेंगे भाई सब कल से बताना। तो 5-8-12 इज द कॉम्बिनेशन फॉर लूजिंग द जॉब कंप्लीटली, बिजनेस में हो जाएगा 5-8-12, दूसरे को बेनिफिट हो जाएगा, दूसरे को बेनिफिट होगा आपके नुकसान से, वो क्यों होगा, 8 क्या है
इंसल्ट बेइज्जती 12 लॉस पांच गया गेन ऑफ लवर गेन ऑफ ऑपोजिशन प्यार में क्या होता है दूसरे का गेन होता है जानू आई लव यू बोलते फिर एप्पल एक्स तभी तो पता चल रहा तू यू लव मी यू डोंट लव मी ना बोले नहीं अभी लव करते करता हूँ लव का मतलब यही है नुकसान पता है ना पता है इनको पता चलो अच्छी बात ठीक है तो फाइव जो है ये क्या हो गया गेन ऑफ ऑपोजिशन ऑपोजिशन होगी ये तो जैसे पेप्सी कोला है एक कोका कोला है तो 100-100 बोतल बिकती है यहाँ पर 100 बिकती कोका कोला 100 पेप्सी अब समझ लो पेप्सी में निकला है छिपकली तो आज तक यूनिव चैनल क्या करेगा ये देखिए ध्यान से देखिए और से देखिए ये बोला तो फिर पेप्सी आगे बिकेगी नहीं पेप्सी की एकदम सेल गिर जाएगी लेकिन लोग कोल्ड ड्रिंक तो पियेंगे उतनी कोल्ड ड्रिंक पिए गर्मी उतनी पड़ रही है वो डर के पेप्सी नहीं पिएंगे दूसरी पिएंगे दूसरी को प्रॉफिट हो गया तो पांच अड़वाना किसका हो गया पेप्सी का और उसका क्या हो गया कोका कोला का 6-11 6-11 क्या हो गया लॉस ऑफ ऑपोजिशन और ये गेन ठीक है एक का 6-11 हो जाएगा तो तभी होगा जब दूसरे का 5-8 हो जाएगा दोनों कंपटीशन में एक का लूज एक का गेन अब आ जाते हैं ये हो गया 5-8 जो है वो बेइज्जती भी होगी स्कैंडल भी बन गया ठीक है छिपकली स्कैंडल है ना जैसे पैसा पहुंचेगा आज तक वालों को चुप कर जाएंगे बोले कल तक आज तक नहीं कल तक ठीक है तो 5-8 इज वेरी बैड इवन 6-12 इज ऑल्सो नियरली इक्वली बैड बट किसी और को प्रॉफिट होता हो ये नहीं होता होगा नॉर्मली होगा जैसे एग्जाम्पल है आप दिल्ली के अंदर बिजली नहीं जाती उसका मतलब इन्वर्टर का काम बैठ गया अब उससे किसी और को बेनिफिट है नहीं तो 6-12 का मोटा मोटा मतलब यही है कि वो काम ही बंद होगा काम अब है नहीं उसकी कोई देयर इज नो रूम फॉर दैट टाइप ऑफ वर्क जैसे हो गया IST PCO वाले नहीं होता जो पहले वो अब हरे के आदमी मोबाइल है PCO VCO क्या है अब ये हो गया टर्मिनेशन अब ये है कि सर जी अब आपका वाला आ गया ये ऐसे तो मिलेंगे नहीं मिक्स मिलेंगे अब इसमें जो न्यूट्रल हो गए न्यूट्रल हाउसेस कौन से होंगे 1, 3, 5, 7, 9 5 अगर 8-12 के साथ नहीं है तो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है 4 मोटे तौर में न्यूट्रल है तो ये भी पैसा देंगे मतलब ये लेके दाल रोटी देंगे अब मेन बात है कि ये दो अगर दोनों के दोनों अगर इकट्ठे आते हैं तो उसका क्या मतलब है जैसा लिटिगेशन में वैसा ही है समझ लो 6-8 5 का क्या है कि 5 इज ए गुड हाउस इन गुड नेचर हाँ नेचुरली है गुड हाउस बट वो 8-12 तो है तभी खराब है 6 नेचुरली बैड हाउस है ठीक है 5-8 के साथ लगता है तो और कॉम्बिनेशन बुरा नहीं होता क्योंकि 8 ही सिर्फ बुरा है तो 8 और 12 तो मेनली 8 बुरा 8-12 बुरे 6-8-12 तीन ही बुरे 6-12 के साथ लग जाए 6-8 के साथ लेकिन 5-12 के साथ लग जाए तो प्रोफेशन के लिए इतना माड़ा नहीं अब 6-8-12 और 10-11 एक ही लाइन में मोटे तौर तो 6-8-12 एक तरफ कर देंगे हम 10-11 ये टग ऑफ वॉर ना प्रॉफिट ना लॉस लेकिन धराधन बहुत होगी विषम विषम बहुत होगी 8-12 = 10-11 एक लाइन में हो तो 6-12 इज वीकर देन 10-11 मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब लाइफ इवेंटफुल रही उस पीरियड में अपना इवेंटफुल होता है ना सर जी कई बार बंदा कार लाता है आते ही एक्सीडेंट हो जाता है जॉब लगती है वहां पर चलते यार ये काम फंस गया वो मिक्स हो गया अब ये भी हो सकता है कि 8-12 हो 6-12 हो और 11 हो तो 11 विल लूज अकेला 11 नहीं लड़ 8-12 में भी 11 विल लूज 6-12 में भी 11 विल लूज 6-8 में भी 11 विल लूज और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 6-11 12-11 8-11 ये क्या होंगे पॉजिटिव 6
11 हो गया लॉस ऑफ ऑपोजिशन और गेन, 8-11 क्या हो गया गेन थ्रू। ठीक है मैं बता देता हूँ सर, मतलब होलिस्टिक सारा हो जाएगा इसमें। क्या है गेन ऑफ द मनी विच इज नॉट योर्स, अदर पीपल्स। 8-11 में शादी होगी तो क्या मिलता है साथ में? ठीक है, कार, कोठी, कैश, पूरी तो चलो छोड़ो, मतलब कक्के मिलते हैं साथ। फिर जो हो गया पिताजी, अब इसमें क्या होता है कि जब भी अदर पीपल मनी मिलती है तो दुख भी साथ में लेके आते, जैसे लेगेसी, लेगेसी कब मिलेगी? पिताजी चले जाएंगे। प्रोविडेंट फंड कब मिलेगा? जब नौकरी चली जाएगी। और क्या मिल सकता है? एक गेन है सर, एक काम हो सकता है, जैसे आज की में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, आप दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे हो प्योरली, आपका कोई लॉस नहीं है उसमें। नहीं वो तो हम सर्विसेज दे रहे हैं ना। हाँ, मैं भी तो सर्विस, नहीं मैं भी तो सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बात खत्म होगी। आपका पैसा उनका नहीं हुआ, उनका नहीं, ये है कि पिताजी ने कमाया सारी जिंदगी, मुझे मिल गया। पीएफ में क्या है कि आधा मैंने जमा किया और बाकी जो है एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट ने जमा किया, मेरा मन है इंश्योरेंस। हाँ इंश्योरेंस है, मेरी कार टूटी, कोई नुकसान साथ में होगा, शादी होगी, डाउरी तभी मिलेगी जब आजादी चली जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है ना, 12-11 एक्सपेंडिचर करके, मतलब जैसे लड़की को मिलता, लड़के को कहा, लड़की तो हमेशा कहते थे मेरे बाप की गाड़ी है, मेरे बाप की गाड़ी है। नहीं नहीं, लड़के को कहा मिल रहा मैडम, लड़की को मिल रहा, दोनों के लिए माना, नहीं दोनों को मिल रहा है, वेरी फ्रैंक दोनों को मिल रहा है। ये क्या हो गया, डाउरी क्या हो गई कि जो हमारा सिस्टम है, पता नहीं पहले बड़ा डिस्कस हुआ नहीं हुआ, ये हमारा सिस्टम है कि बेटी को माँ बाप का पार्ट कैसे देना है, हो गया था ना डिस्कस, इट इज लाइक दैट। ऑब्वियसली जब बेटे को मिलेगा घर मिलेगा तो बहू को भी तो मिलेगा ही, एक ही बात, दोनों बहुत गेट। हम सोचते हैं कि जी कार मिल गई तो बेटा घूमेगा, ओ जवाई घूमेगा, लड़की में 6-10 के साथ 8-11 तो और खतरनाक हो जाता। ये बता रहे इसकी इसकी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में कर चुका काम हमारे तो भाई घर में तो अच्छा छोड़ दिया, रहने दे। 6-10, 8-10 और 12-10 दीज आर आल्सो गुड, बट दिस इज यू कैन से 3 times स्ट्रॉन्गर देन दिस इन अ वे, नॉट एग्जैक्टली 3 times, 11-10 से तो उसको कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको समझा। अगर किसी एजुकेशन मैनेजमेंट लेवल की हुई है और उसके 6-8, 12-10, 11 साथ में, तो आप चीफ सेक्रेटरी तो होना होगा, एक स्टार्ट आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको टॉप तक ले जा सकता है, वो एक स्टार्ट अच्छा हो गया। उसके बाद आपके अगर प्लान खराब है तो वहीं का वहीं रह जाएगा, ऐसा भी तो होता ही है। तो नहीं बनती बॉस से, नहीं बनती, नहीं बनती उसको प्रमोशन, मिलती है थकी थकी पिटी पिटी सी घूमती है, ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ कुछ वो चीजें भी तो होती है। ठीक है अब आ जाते हैं हम इसको, ग्रहण नक्षत्र सब लॉर्ड तीनों में कैसे इसको फिट करें। अकेला 11 है और उसके साथ कोई 10-11 के इक्विवेलेंट, वो इट मतलब मोटे तौर पे देखा जाए इट कैन टेक यू टू एनी हाइट्स,
करते हैं आप, बिल्कुल ठीक पकड़ा। अगर 11 है और नेगेटिव फिर वो कहीं मिले आ रहे चल रहे लड़के की शादी तो तभी होती है सर जी, वो जब तक कुछ बोल नहीं पाता है ना, इसका मतलब नॉर्मली लड़के की शादी 2711 जब हो रही है तो वो चार पैसे कमा रहा है, मतलब मेजोरिटी केसेस में। अब हम ये बात कर रहे हैं सिटी के अंदर, हम गाँव गाँव की नहीं कर रहे, तो वो भी खेत में अपना कर ही रहेगा, उसका तो वही वाला काम है ना सर। सर वीनस में 2, 3, 6, 7, 10, 11 है, इसका क्या मतलब होगा? 2, 7, 2, 3, 6, 10, 11 7 भी है साथ में। ठीक, मैं अभी बता देता हूँ आप, ये अभी ये मैं कुछ बात समझाने जा रहा हूँ, आधा घंटे के बाद मैं आपसे पूछ लूंगा, फिर मैं पत्री 1-2 दिखा रहा हूँ, फिर आप मेरे से पूछ लेना, अगर तो मैं भी बोलूंगा फिर मैं बता। कोई कंप्लेंट तो नहीं की हस्बैंड को मेरी? मैं कोई कंप्लेंट तो नहीं है पहले दिन कह रहे थे ना आप ये मेरे को बोल रहे हो कह रहे ओके जाएगा नहीं नहीं मैं वो ऐसे मेरी आदत है सॉरी है जाए नहीं करते ऐसे नया बैट्समैन आता है ना फास्ट बॉलिंग करते आज हिट विकेट था ये एक हॉरोस्कोप है, इसके अंदर मैंने ऐसे है कि 9 के 9 प्लान डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्ड हो जाएंगे कि इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है। जैसे तो में फर्क आ रहा है, ये फिर बदल गया है मेरी है यार। ये हॉरर स्कोप देख लेते हैं। इस हॉरर स्कोप में पहले सबसे पॉजिटिव वाला मैं प्लैनेट आपको बताता हूँ, तो आपको दिख भी जाएगा, वो है जुपिटर। ठीक है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, इट इज अ वेरी गुड प्लैनेट है। एक जो बढ़िया और प्लैनेट है वो है वीनस, 10-12, 10-12, 10-12, 10-12 में 12 विल डिफीट। एक और बढ़िया प्लेनेट है वो शनि, ध्यान से देखना पड़ेगा, 6-7-8, 2-10-11। अब ये 6-8 जो है ये डिफीट हो गया, एक तो वैसे 6-8-10-11 एक लाइन में तो डिफीट हो जाता है, अब 10-11 क्योंकि नीचे आ गया ये नक्षत्र में है तो ये डिफीट हो गया। और फिर क्या है यहाँ पर क्या है 3-4-9 ये तो न्यूट्रल है, इनका कोई हमारे को लेना देना नहीं। 2-10 है तो 2-10 विल डिफीट 12, तो ये 6-8-12 मिले नहीं, 10-11-10 मिल गए, तो ये स्ट्रेंथ जो है नियरली इक्वल टू जुपिटर है, उससे कम है लेकिन अच्छी है, बहुत बढ़िया। अब मरकरी क्या है 2-10-11, 5-8-12, तो अब ये 8-12 डिफीट कर देगा 10-11 क्योंकि नीचे की तरफ। मून में तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में, राहु में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव है क्योंकि
ये दस अकेला है, आठ बारह छ आठ दस क्या करेगा? सन में भी कोई डिस्प्यूट नहीं, सन इज बैड, 11 6 8 6 दो अकेला भी बेकार है, दो अकेला भी कुछ नहीं करेगा। कहां पे राहु? दो को तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, आपने देखा जब मैंने समझाया था, दो को तो मैंने एक तरीके से न्यूट्रली माना है, मोटे मोटे कुछ नहीं यार। मरकरी को न्यूट्रल ही ले लेंगे सर, 10 11 ऊपर है, 5 8 12 नीचे है। उसमें आप देखें तो 2 10 11 है, फिर 2 नक्षत्र में भी है, 2 में तो दाबी कुछ नहीं सर। गरीब आदमी बेचारा, तू नहीं लड़ सकता 8 12 से, 8 12 से एक एक लाइन में, और ये अलग अलग है सर, वो भी एक नहीं देखेंगे। नहीं नहीं वो आपकी बात ठीक है, लाइन ऐसी है ना ये। हाँ आप देखो इसके 1 1 नंबर मिलेंगे, इसके 8 12 के क्या मिलने हैं, इसके 2 और 3 5 मिलेंगे, और 10 की 10 वैसे कमजोर है 11 से, तो इसलिए 8 जो है वो दे विल टेक ओवर। एक लाइन में होते हैं तो बराबर की टक्कर हो। अगर ये नक्षत्र सब नक्षत्र में ऊपर होता तो बात बदल गई थी, ऊपर 5 8 12 नीचे सब लॉर्ड में 10 11 होता तो गेम बदल जाती सारी की सारी भाई, ब्रेक भी हो जाता 5 8 12 को, बिल्कुल ऑब्वियसली जैसे इसमें ब्रेक हो रहा ना, ये ब्रेक वाला यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये जैसे केतु है, केतु में ये 10 है, इधर क्या 10 का कोई खास बड़ा दोस्त नहीं है, नीचे 11 है, तो 10 11 ब्रेक हो गया, लेकिन 12 8 8 ये मिल गए, लेकिन 10 11 के बीच में ऐसा 2 है तो वो हेल्प करेगा, लेकिन 8 12 की स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि उन वो मेन मेन बंदे इकट्ठे हैं, यही सब नक्षत्र में होता तो फिर बात ये होती कि दोनों में बराबर की टक्कर हो गई, ठीक है। तो इस तरह इसको पढ़ेंगे हम। अब ये जैसे जुपिटर राहु का पीरियड है, सॉरी ये तो अब है, समझ लो जी ये राहु का दशा है। अब राहु की दशा में वो एग्जांपल है, मतलब जो है राहु में सन में आया हमारे पास, राहु में मून में आया हमारे पास, बोला भाई जिंदगी जो है बड़ी झंड चली, तो हम क्या क्या जुपिटर की दशा आएगी, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, इसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा दशा के बाद, जो नेक्स्ट दशा है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यही मून के बाद, समझ लो सन के बाद मून आता तो कुछ ना होता, उसको पता नहीं चलता ना, लेकिन राहु के बाद जुपिटर आया तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन लाइफ। अब जुपिटर आते ही नहीं रिजल्ट निकलता, तो यूं कैसे आएगा जुपिटर जुपिटर, फिर कोई एक और अच्छा होना चाहिए साथ, जैसे शनि आएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी क्या बदलेगी, दशा क्या बदलता है, दशा स्टेटस बदलती है। स्टेटस का मतलब क्या है कि भाई एक आदमी जिसके पास मोटरसाइकिल है पुरानी, वो मर्सिडीज में आ जाए, ये मर्सिडीज वाला रिजल्ट है, मतलब ये जो राहु और जुपिटर है इसमें बहुत ज्यादा है। पहले अभी हम ये पकड़ते हैं कि इस समय क्या हो रहा है, बाद में जब कलेश होगा तो बात को देखें। प्लेनेट में 11, नक्षत्र में 6 8, वैसे भी 6 8 11 में 11 डिफीट हुआ, फिर नक्षत्र में भी 6 8, फिर सब लॉर्ड में भी 6 8, अकेला 11 क्या करेगा सर। अब आ जाते वापस कि जुपिटर जुपिटर शनि इसको उठा देगा, तो ये एकदम से आदमी कमाल हो जाएगा, बोले यार इज्जत बहुत मिल रही है, पैसा आ रहा है, जैसे कि शनि की दशा चल रही होगी इसकी, तो उसमें जुपिटर बच्चा था, जुपिटर में सब बच्चा था, तो जुपिटर की भुक्ति आई किसी किसी भी दशा में, वैसे बना लो वो तो सन तो आए नहीं है, मून में तो पैदा हुआ राहु जुपिटर ठीक है। राहुल जी ने बच्चा ना सर, 67 का पर्दा 83 की बात कर रहे हैं, स्कूल ऐसे टूटी भजी चल रही होगी, ठीक है ना, वो तो फिर बात, लेकिन हाँ वो बात ठीक है कि अगर यही जवानी में आ रहा हूँ मैं जुट रहा है तो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ यार, तो इसीलिए ऐसा क्योंकि कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया कि जुपिटर जो है जुपिटर जुपिटर शनि से इसका उत्थान शुरू हो जाएगा, और जुपिटर जुपिटर मरकरी जैसे आया तो मरकरी तो खराब है, तो फिर क्या होगा, सिर्फ अंतरा, अगर दशा भुक्ति पॉजिटिव हो तो अंतरा क्या करेगा, अंतरा सिर्फ ये करेगा कि वो बोले घर की रिपेयर करा लो, घर की रिपेयर में ज्यादा पैसा मर्सिडीज भी ऐसी
एक शीशा टूट जाए तो 2 लाख सही इंश्योरेंस का हालत तो मतलब एक मेजर मेजर ऐसा खर्चा हो जाएगा जो खर्चा हमारे लिए फायदेमंद होगा, अगर घर की अच्छी रिपेयर करानी है सारे कुछ नया कमरा डलवा दो ऊपर फ्लोर नया बना लो ऐसा कुछ, तो इट इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज गुड। आप कमी पेंट क्यों खरीद खाना के सब्जी भाजी रोटी ये सब है ना, तो इसमें बढ़ जाएगा उससे। अब आ जाते हैं कि जुपिटर में फिर शनि आ जाएगा, जुपिटर की दशा शनि की भुक्ति, दैट इज ऑल्सो गुड। अब जुपिटर शनि मरकरी फिर कोई बड़ा खर्चा, जुपिटर शनि राहु में फिर कोई बड़ा खर्चा, बट दैट विल बी बेनिफिशियल। फिर जुपिटर मरकरी आ जाएगा, जुपिटर मरकरी मरकरी तक कुछ नहीं होगा जब तक मरकरी को उसका साथी नहीं मिलता, मरकरी को उसका साथी मिलता सन एंड मून, मतलब उसी लेवल का घटिया घटिया तो ये उसको स्टेटस तो नहीं गिरने देगा लेकिन मेजर एक लॉस करा देगा, उससे हिल जाएगा, लेकिन मर्सिडीज रहेगी, पेट्रोल डालने के पैसे में प्रॉब्लम आने लगेगी, बस ये कैसे दशा इतना देती रहेगी कि वो काम चलता रहेगा, वो जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। फिर जुपिटर केतु में, जुपिटर मरकरी मून में वो पिटेगा जैसे, तो जुपिटर मून जुपिटर में रिलीफ आ जाएगा, लेकिन वो रिलीफ ही है, जब तक भुक्ति नहीं आती जैसे केतु की आ गई फिर वीनस की नहीं आती तब तक पक्का वाला रिलीफ नहीं होगा, ये फिर प्रॉफिट सारे लगेंगे, फिर सब ठीक है, फिर सन मून राहु में फिर हमारे पास बैठा रहेगा। तो मरकरी भुक्ति आते ही फिर इसको मतलब अंडर प्रेशर छोड़नी पड़ेगी, हो सकता है इसको सुन लो जुपिटर मरकरी मून में छोड़नी पड़े राहु तक इसको मिले ना, जुपिटर मरकरी जुपिटर में इसको मिल जाएगी, लेकिन वो जो होगी एक कॉम्प्रोमाइजिंग सी पोजीशन होगी, जुपिटर केतु में फिर इसको केतु वीनस में फिर उसको ऐसी मिल जाएगी कि जिसके अंदर वो जो पहले जो वाले जो हाव भाव तेरे वो मिल जाएगी। नहीं मैंने टर्मिनेशन तो नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उसको अंडर प्रेशर छोड़ दूंगी, सिचुएशन कई बार ऐसी बन जाती है ना जिसमें आदमी सोचता है यार यार क्या कर रहा हूँ। बेटा साहब भी वो ही विल रिमेन इवन इन जुपिटर मरकरी जुपिटर आल्सो बट ही गेट्स जॉब, उसका स्टेटस वही रहता है, लेवल नहीं रहेगा लेकिन उसको काम नहीं है, ही इज नॉट एंजॉइंग दैट मच पावर, नाम का है जुपिटर केतु में वो नाम के साथ पावर फिर वापस मिल जाएगी। जॉब छोड़ने का मैंने अभी कॉम्बिनेशन नहीं बताया, 5-9 है, 5-8-12 जो है, 5-8-12 जो है वो है टर्मिनेशन, 5-9 जो है चेंज है। तो जैसे जुपिटर मरकरी मून है तो मरकरी में 5-9 है, मून में 5-9 है विद 8-12 है ना, दैट मींस द सिचुएशंस आर एडवर्स, ही इज फोर्स्ड टू लीव द जॉब, the possibility he may get an extension, उसको 5-6 महीने ऐसे रगड़ते रहेंगे और उसको जाके जुपिटर मरकरी जुपिटर में दूसरी जॉब मिलेगी, वो भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, क्योंकि मरकरी अभी तक मतलब अच्छा हुआ नहीं। फिर जुपिटर केतु वीनस में he will get the same type of level of job which he was enjoying before that। ये कैसे पता चलेगा जॉब कर रहा है बिजनेस कर रहा है, ये नहीं पता चलता, ये नहीं पता, जब भी हम बात करेंगे इस पर। अब आ जाते हैं दूसरा हॉरोस्कोप, वो बिल्कुल इसका मिरर इमेज है एक तरीके से, इसमें ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसको क्या करना चाहिए लाइफ में। अभी हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कौन सा टाइम अच्छा है कौन सा टाइम बुरा है, बस अभी ये कर रहे हैं, अप एंड डाउन इन प्रोफेशनल लाइफ। हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कौन सा काम आपको सूट करता है, ये ना लोहे का काम करिए पानी का काम करिए। अब आ जाते हैं ये वाली पत्नी है, अब ये वाली पत्नी में क्या है, जैसे उसमें राहु से उसका प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ, इसमें कब शुरू होगा, जैसे उसमें राहु में शुरू हुआ था, वापस आ जाते हैं उसी पे, राहु में उसकी एज क्या थी 67 का बर्थ हो गया, आप 22-23-24 जोड़ लो कितने हो गए 92, तो ही वाज इन राहु मरकरी, ठीक है। अब इसमें 23-24 जोड़ लो तो जुपिटर, सॉरी इस वाली जन्म पत्र में अगर 23-24 जोड़ लो 78 प्लस
24 2002 तो ये हो गया राहु सन। तो राहु मून में बोलेगा वाजवा जिंदगी बढ़िया। सॉरी अभी पहले डिस्कस नहीं किया, मून इज वेरी गुड, मार्स इज वेरी गुड। इसमें नक्षत्र सब लॉर्ड जो है वो न्यूट्रल है, 6-11 पूर फुल फोर्स से काम करेगा। राहु कैसा कुछ नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्करी भी ठीक है, सन भी ठीक है, वीनस वेरी गुड है, बाइट लेवल केतु ठीक ठीक है, जुपिटर जो और शनि जो है वो वर्ष है, अजड़वाना अजड़वाना। अब राहु जो है ये बून में वो जिंदगी उसकी टन टन है। राहु मार्स में वो हमको चेक करने आएगा, बोलेगा बताओ मंगी जुपिटर में क्या हो। हमने बोला भी जुपिटर तो अच्छा नहीं है, वो तो आप ज्योतिष दोबारा पढ़नी पड़ेगी, जुपिटर बारह उच्च का है भाई। उच्च का मतलब ये होता है ऊपर से नीचे फेंकेगा, उठा के नीचे फेंकेगा। बोले आपकी तो बातें अलग है, हमारे पास आओगे आपकी बातें थोड़ा करेंगे, हम अपनी बात करेंगे भाई। जुपिटर की जब दशा शुरू होगी तो फिर वो उसी पंडित के पास जाएगा जिसने बताया था कि जुपिटर उच्च का है, ठीक है। तो अब उसको कवर करने के लिए क्या बोलेंगे पंडित जी? नहीं नहीं वो बोलेंगे कारक भाव नाश। हाँ बैठेगा अपने कारक भाव को नाश, ठीक है। जुपिटर पंचम में भाव करता है तो बच्चा पैदा नहीं होने देता, दूसरे में बैठता है तो संपत्ति का नुकसान। तो फिर हमारे पास आएगा, यार आपने बताओ, मैं भाई इसमें केंद्र वित्त दोष, ठीक है ना भाई। अब जितना मुंह मैं जी उतनी बातें हैं। हमारे हिसाब से जुपिटर में 5-8 आते ही बुरा नहीं करेगा। जुपिटर जुपिटर जब तक शनि नहीं आएगा तब तक बुराई नहीं शुरू, जुपिटर जुपिटर जब तक आएगा। अब जुपिटर जुपिटर इज बैड, जुपिटर शनि इज बैड, जुपिटर मरकरी में कुछ नहीं होने वाला, मरकरी न्यूट्रल। केतु और वीनस का जो पीरियड है ये थोड़ा सा इसको रिलीफ दे देगा। अब इसमें क्या है, जो स्टेटस है नीचे गिर गया, दशा पॉजिटिव थी, नेगेटिव तो नहीं थी कम से कम, लेकिन दशा नेगेटिव हो गई तो स्टेटस नीचे गिर गया। अभी कार वाला आदमी स्कूटर पे आ जा रही है एक तरीके से, या वही कार चलती जा रही बेचारी टूटी फूटी सी, वो हम खरीद नहीं सकते। फिर जब तक जुपिटर वीनस नहीं आएगा, जुपिटर मून नहीं आएगा, तब तक वो जिंदगियां अच्छी नहीं होंगी, लेकिन इट इज स्टेटस डजंट इम्प्रूव। स्टेटस का कभी इम्प्रूव नहीं होगा, इसकी दशा कभी इम्प्रूव नहीं होगी। जुपिटर बुरा है, शनि बुरा है, 2041-78 का पैदा, 41 तो मतलब फिर अब कुछ मतलब जिंदगी में पूरी कुछ होना नहीं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखो इसमें दशा नेगेटिव है, भुक्ति अंतर अगर पॉजिटिव होते तो थोड़ा सा मतलब स्टेटस नहीं बदलता, रिलीफ मिलता रहता है। भुक्ति अंतर में कमाएगा, ऐसा नहीं कमाएगा नहीं। दशा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं होगा पूरे पूरे 16 साल या 18 साल या 19 साल खराब हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन स्टेटस को अगर राइज करना है तो वी हैव टू हैव अ गुड दशा, स्ट्रॉन्ग दशा। इवन न्यूट्रल विल डू, जैसे मरकरी की दशा है ये, उसके नहीं मरकरी का मून है उठा देगा उसको, मरकरी उसको रोक नहीं रहा, न्यूट्रल। लेकिन दशा ही अगर मून की हो जाए फिर तो बात ही अलग। तो इस तरीके से हमें सारी दशा भुक्ति अंतर को एनालाइज करना है, ये तरीका। अभी जो मैंने पढ़ाया वो सिर्फ मैं रिपीट कर लेता हूँ, इट इज जस्ट प्लूटो देखो अब बताओ प्लूटो सर इससे पहले वाला सॉरी सर अब जैसे जुपिटर 5-11, 10-11 चल रहा है और प्लूटो के अंदर भी 10-11, 10 है तो ऐसा बोल सकते हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों के ऊपर मैनेजर बनेगा या सीईओ बनेगा बनने की कैपेबिलिटी है। अच्छा ओके से प्लूटो नेपच्यून ये इनको मैं एनालाइज करना है कुछ नहीं करना है सॉरी आपका सवाल है तुम्हारे सवाल ये सच। हमने किसी बड़े आदमी का ही चक्कर है,
बड़े आदमी का मतलब समझा, राहुल गांधी हंसना मत, ठीक है। और जो बंदा पोजीशन में बैठा हो तो उसका इंटेलेक्ट इस तरफ जा सकता है, उससे एक आइडिया हो जाएगा। जैसे आपने प्लूटो का, तो प्लूटो का मतलब क्या है ये पता, एक और होता है सब चीजें तबाह करके नई चीज पैदा करता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, तो प्लूटो विल रूल अर्थक्वेक ऑल्सो, ये टॉकिंग मून है। तो क्या होगा, जैसे प्लूटो अगर लग्न में है और प्लूटो ये बता रहा है, तो वो क्या करेगा, बोले ये सारा हटा दो, नई सिटी बनेगी भाई। जैसे वो ये हो सकता है सिर्फ रशिया के, ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी में करने की कोशिश करेंगे तो गया भाई, बंदा गया साफ, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। अब जैसे मैं सोचू सब कुछ हटा दो, तो मेरी एक्चुअली क्या है, एरिया ऑफ वर्क ही थोड़ा सा ही है, जैसे डीमोनेटाइजेशन मेरा सीजन है, तो वो प्लूटो का काम है, खत्म, ये प्लूटो, ये अब मोदी जी का अगर प्लूटो लगन में है, फिफ्थ हाउस में है, तो उनका इंटेलिजेंस ऐसे ही काम करेगा, हटाओ। यूरानस इज रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन है। तो अगर पंचम भाव में यही फिफ्थ में बैठे हैं, थर्ड हाउस में बैठा है, लगन में बैठा है, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर बंदा जो है किसी लेवल पे है, तो वो कुछ नया रेवोल्यूशनरी काम करेगा भाई, जैसे गडकरी हो गया, रेवोल्यूशनरी है, उसने कुछ उड़ाया, रेवोल्यूशनरी है, सड़कें इतनी तेजी से बनाना, वही इक्विपमेंट से, देखो कोई नए इक्विपमेंट नहीं आए, कोई नई आदमी नहीं आए, उसने क्रिएट कर लिया। नेपच्यून नेगेटिव हो तो कंफ्यूजन है, ऐसे यूरानस भी रेवोल्यूशन के नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेपच्यून कंफ्यूजन भी है और चतुराई भी है, किसी को बेवकूफ बना के काम सिद्ध करना। तो ये बड़े लोगों के में ही देखेंगे, इनमें नहीं देखेंगे, मोदी जी का देखेंगे, प्लूटो का ये क्या, तो फिर एक वीडियो बड़ी ठोक देंगे भाई, मोदी का खत्म ही करेगा भाई इस टाइम। या सीईओ ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन या कैसे देख सकते हैं, या वो भाई मतलब उसका यस 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 मतलब जो कम से कम नहीं तो 1000-2000 आदमी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कम से कम उससे नीचे फिर देख रहे हो फायदा नहीं। और मोटे तौर पे वैसे ये बड़ा ही है, मतलब ये मिनिस्टर मिनिस्टर ही देखना, मतलब सीईओ भी हो तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, ये मतलब ब्लू चिप कंपनी देखो। लग्न में होना चाहिए सर, सर लग्नेश लंगन पंचम ये इंटेलिजेंस को रूल करते हैं सर। ओके, लगन हो गया, पंचम हो गया, सप्तम है तो लगन को देख रहा है, और थर्ड हाउस, थर्ड हाउस वो एकदम से जो इंटेलिजेंस मतलब हाँ क्विक इंटेलिजेंस का, यहाँ पर इनके फायदे हैं, अगर ये है तो बंदा कुछ अलग कर सकता है। और मेरे का हो सकता है यूरानस रूनस के उल्ट पुल्ट बैठा हो, नहीं मेरे में नेपच्यून है इसमें लगन में, लेकिन आपका हाँ हाँ तो आप करते होगे सब चतुराई से, वो तो मतलब देख लेते होगे ना वो बंदे को घेरना कैसे है, जो अपने काम में उसको घेरना कैसे है, उसकी पता कैसे लगानी है, कैसे पहुंचना है, जब वो बिल्कुल कैसी सिचुएशन में होगी, जब अब उसको काबू किया जा सकता है, मतलब वो सब। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लगता है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि यू आर हेडिंग अ फोर्स ऑफ 1200 पीपल राइट, तो आपके लिए लगता है कि व्हाट इज योर माइंड, आपका इंटेलेक्ट कैसे काम, सिर्फ हमें देखना है 1573 ये हाउस बस, बाकियों में फिर उसका कोई ऐसा कोई खास फंक्शन रह नहीं जाता। कोई खराब ग्रह अगर एस्पेक्ट कर रहा है दिशा लॉर्ड को, ये सब कुछ होगा, अब वो बताते हैं, बता लेते हैं, एक मेरी बात यहाँ भी रहेगी, पहले एक मेरे को बात रह गई थी वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद जवाब दे। ये दोनों में देखो, आपने जो जन्म पत्र बताए दोनों में राहु से जुपिटर हो गया, मैंने आपको दिखाया भी ऐसे कि एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है, राहु से जुपिटर जाने में कोई तो सिमिलरिटी होनी चाहिए, उसकी भी जुपिटर की दशा है, उसकी भी जुपिटर की दशा है, जुपिटर जो है दोनों केस के अंदर एक बेहतर एम्बियंस देगा बस, नेचुरल जो शुभ ग्रह होता है बेटर जगह देगा, बेटर जगह का मतलब हो गया, अब आनंद साहब बैठे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वो कश्मीर बैठे हैं, तो इसका मतलब हॉस्टल कंडीशन राहु के दूषण, तो अगर हम कहते हैं जुपिटर वीनस आएंगे तो फिर उनको बोलेंगे आ जाओ भाई दिल्ली में बैठो आराम से बैठो, ए सी वे सी लगाओ, कार है घुमाओ,
मतलब दैट पर्सन विल बी कंफर्टेबल एज पर जुपिटर, मतलब उसको भाई कौन सी कल्याणपुरी से दिल्ली की कल्याणपुरी का दिल्ली को जानते हैं, कल्याणपुरी सुल्तानपुरी मंगोलपुरी पुरानी जगह से होके बंदा ग्रेटर क्लास चला जाए मोटा मोटा ही। अब जो जिसका नेगेटिव है वो ग्रेटर क्लास में झाड़ू लगाएगा, जिसका पॉजिटिव है वो ग्रेटर क्लास में राज करेगा, मतलब ये फर्क। ये मतलब दो या जी कह लो दोनों काम फाइव स्टार में करेंगे, एक झाड़ू मारेगा एक बॉस होगा। अभी तक हमने क्या है अप एंड डाउन, अब हमको जो देखना है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है कौन सा वाला काम करे आगे। ये एजुकेशन और प्रोफेशन दोनों में तकरीबन तकरीबन बराबर कीजिएगा कि वही पढ़ा दें जो यार आगे करें, ठीक है। ये लंबा है बहुत, दीज आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। सो आई विल बी नीडिंग टू आवर्स टू दिस टू डू दिस। एक और चीज होती है कि जैसे किसी का मतलब वैसे इन जनरल कोई पूछता है भी जिस उसके फादर बारह चल रहे हैं कि काम करा ऐसे पूछता है तो क्या करे, तो कुछ भी कर ले। किसी के अगर 10-11 चल रहे तो मैडम क्या काम करे, कुछ भी कर ले। अब पॉइंट को समझो, कहने का मतलब है कि जब पॉजिटिव है टाइम तो कुछ भी कर ले तो पॉजिटिव ही है, बढ़ना ही है, और जब टाइम खराब है तो भी कुछ भी कर ले। हमारा तो सिंपल जवाब है, एक ही जवाब है, हमारे ज्यादा जवाब ही नहीं होते, ठीक है। लेकिन फिर भी एक नेचर होती है। अब जैसे मैं हूं, मैं पढ़ाता हूं, मुझको इसी में मजा आता है, तो अब मैं मेरे को बोलो को बिजनेस संभाल ले, मैं वो संभाल ही नहीं पाऊंगा, वो मेरी नेचर होगी। जैसे तेंदुलकर है, उसकी नेचर बैडमिंटन खेलने की नहीं है, बैटिंग करने की है, बॉलिंग करने की भी है, चलो ठीक है, क्रिकेट किया मोटे, ठीक है। अब वो राज्यसभा में गया तो वो जीरो है, ये अलग उसका टाइम तो अच्छा होगा अभी राज्यसभा का मेंबर बना, बट परफॉर्मेंस क्या है, जीरो। तो वो चीज अलग होगी, एक तो हो गया कि भाई टाइम अच्छा कभी बुरा, एक है जो मेरे को दिल मैं जो मैं अच्छे तरफ से खुशी से कर पाऊंगा, तो जो खुशी से कर पाऊंगा वो 2 घंटे बाद बस 2 घंटे लगेंगे उसमें, नेक्स्ट क्लास भी लूं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये होता है जो पिछली बार क्वेश्चन रह गया, एक किसी ने पूछा था, मैडम नितिमा जी आपने पूछा था सवाल के, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, चलो बोल गया। अच्छा अब बात आ गई कि आदमी बिजनेस करेगा जॉब करेगा या मेरे जैसा काम है, मेरा जॉब हो गया, मेरा काम हो गया टीचिंग कंसल्टेशन, ये टर्शियरी जॉब है और सेकेंडरी। अफसोस की बात है लेकिन बात सच्ची है, पता नहीं चलता। मतलब ये हमें पता नहीं चलता कि वो बंदा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, वी डोंट एस्ट्रोलॉजी में नहीं पता चलता, ठीक है। इसके बाद सवाल एक और था पिछली बार था, वो ये था कि जैसे कोई कंपनी काम ने देखना है, कंपनी वो राइज करेगी नहीं करेगी, तो उसमें हमें कंपनी का बनाए और उसको या उसके सीईओ का क्या बनाए, तो उसको मैं प्रूव कर देता हूँ यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब जैसे ईयर बदलता है ना तो वो लगाते हैं इंडिया का भविष्य, 15 अगस्त 1947 इंडिया की और उसको लगा, तो उससे बेनिफिट मतलब वो है किसे काम की बात है।
ये जैसे हमारे ये हमारे प्रधानमंत्री हो तो सबसे पहले हो गए नेहरू जी। अब जैसा सीईओ होगा वैसे ही कंट्री चलेगी भाई। कंट्री का अपना हॉरोस्कोप जैसे हमने 15 अगस्त 1947 तो उसमें ना आत्मा ना बुद्धि है, उसमें बुद्धि और आत्मा नहीं है, फिर टाइम हम खोटी कर रहे हैं। ठीक है, पत्री उसी की बनेगी, स्टेबल की कोई जन्म पत्री नहीं बनेगी। कुत्ते ही बन सकती, बिल्ली ही बन सकती, बुद्धि है, आत्मा है ना, मन है ना। वैसे है पंच महाभूत, इसकी पत्री बनानी है, पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार जो भगवान कृष्ण ने बताया, तो मैं डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि उसके नेक्स्ट क्लास में मन बुद्धि अहंकार 8 चीजें और पंचमाभू। ठीक है, कंट्री की तो है नहीं, तो कंट्री की जो सीईओ बनेगा उसी पे डिपेंड करेगा। आप देख रहे हो जो इसमें कोई बात नहीं कि चाहे कोई कांग्रेसी सुने इस बात को, चाहे मैं बीजेपी का आदमी जो है आरएसएस का सुने, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि जो मनमोहन सिंह का टाइप जो वे ऑफ वर्किंग वाज डिफरेंट देन द वे ऑफ वर्किंग ऑफ मोदी एंड दैट हैज इंपैक्टेड द कंट्री। कांग्रेस ही बोलेगा खराब कर दी कंट्री, कहो अच्छी बात है कहो, हम तो कहते हैं डिफरेंस तो पक्का है ना, ये तो मान रहे हो भाई, मतलब डिफरेंस है वे ऑफ वर्किंग नहीं, उससे देश में ही फर्क पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट आपको नजर आता। ठीक है, तो पहले नेहरू जी है, तो नेहरू जी जो थे वो कांग्रेस के मालिक थे, मोतीलाल नेहरू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1 लाख रुपया महीना डोनेट करता था कांग्रेस को, 1.5 लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह, अब समझ सकते हैं कितना बड़ा आदमी होगा। अब उसका अगर बेटा कांग्रेस ज्वाइन करता है तो एज अ मालिक करेगा या एज अ कार्यकर्ता करेगा, बता दीजिए मुझे समझा दीजिए। हु इज गांधी इन फ्रंट ऑफ मी, नथिंग। हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है अलग है, हमें पढ़ाया जाता है कि धृतराष्ट्र का पहला पुत्र था दुर्योधन, दूसरा था दुशासन, वही नहीं सकते नाम कौन रखेगा अपने बच्चे का नाम दुर्योधन, भाई सब सुयोधन ही रखेगा, सुशासन ही रखोगे, क्यों रखेंगे भाई, हिस्ट्री गलत पढ़ा, हिस्ट्री रिटन बाय द विनर्स, इसलिए वो जो है गलत पढ़ाई जाती है। पहली बात होगी कि नेहरू जी के बारे में बताया जाता है कि भाई वो जो है जेल गए, कोई ना गए जेल, ड्रामा सब, किताब लिखी उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बकवास झूठ बोलते। मैडम दिल्ली से बाहर गए हो कभी, बाहर नहीं गए, दिल्ली से बाहर गए हो, कहाँ गए, जैसे वो दो एक जगह इंडिया से बाहर बता दो, जो दिल्ली से बाहर बता दो, गोवा गए, तो गोवा बॉम्बे जाते तो फिर फोटो खींचने का दिल करता है, दिल्ली में हमने घर के बाहर फोटो खींचने का दिल किया कभी करता ठीक है ठीक नहीं तो ठीक है, बट ज्यादातर आदमी उसी चीज को करता है जो उसको पहली बार नई डिफरेंट में ये यू विल डिस्कवर अ प्लेस विच इज नॉट योर प्लेस, यू विल लाइक टू डिस्कवर एक्सप्लोर। लाल किले गए मैडम है ना, कितनी बार गए, बाहर से आदमी आता 4 बार जावे, कुतुब मीनार बाबा अच्छा कुतुब मीनार आपने देखी, मगर ना भाई लाल किला देखा भाई ना, आगरे वालों ने ताजमहल नहीं देखा, हम जा रहे ताजमहल देखने, अपनी जो जगह है ना वो उसको हम ज्यादा तरजीह नहीं देते क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल होती है, वो रोज ही खड़ा ताजमहल रोज निकलते दिखता है उसमें क्या बात, क्योंकि जो अमरीका से आया सबसे पहले ताजमहल देखने जाएगा, वाराणसी देखने जाएगा। ठीक है, अब एक ही ऐसा आदमी है हिस्ट्री के अंदर जवाहरलाल नेहरू जिसने लिखी बुक, बुक का नाम क्या है, मैं तो हैरान हूं उस आदमी को, ये इंडिया में पैदा हुआ इंडिया को डिस्कवर कर, इलाहाबाद में पैदा हुआ तो इलाहाबाद डिस्कवर थोड़ा ना करेगा भाई, तू जो आदमी कोलंबस है अमेरिका डिस्कवर करने निकला है साला स्पेन डिस्कवर करेगा, दैट मीन दैट पर्सन वॉज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही वॉज फ्रॉम समवेयर एल्स। तीन निचोड़ निकाले थे उन्होंने इसमें कि हिंदुस्तान इतने साल आजाद क्यों नहीं रहा, गुलाम इसलिए रहा क्योंकि वी वर नॉट यूनाइटेड, क्योंकि वी वर नॉट यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक हमारे में कम्युनिकेशन की भी कमी रही, जब
अलेक्जेंडर ने लड़ाई कर ली हमारे ऊपर, तो होरस जो है पर्वतराज अलग से लड़ रहा, कोई उसके साथ नहीं, ठीक है, उसको किसी को बता भी नहीं पा रहा, कोई आ भी नहीं पा रहा कि भाई आओ बचाओ। 1857 के अंदर एक ही दिन लड़ाई करनी थी, एक ही दिन पूरे फोर्सेस पे इंग्लिश फोर्सेस के ऊपर अटैक करना था, वो अलग अलग लड़ने लगे, तो वो रॉबर्ट क्लाइव वगैरह वो सारे कभी यहाँ जाके सेट कर दे, वहां जाके सेट कर, बाबर आया तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, अंग्रेज आए तो हमारे पास लेटेस्ट गन्स नहीं थी, यूरोपियन आए तो गन्स नहीं थी, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई थी, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं, हमारे यहाँ भक्ति मूवमेंट थी, नानक है, कबीर है, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, ये सब, तो कभी यही है पंगा, यही है पंगा। नेहरू जी अगर बनेंगे तो वो क्या करेंगे, इन तीनों को दुरुस्त करेंगे, क्या उन्होंने किया, नहीं। नेहरू जी का नाम क्या बना बताते हैं हम, चाचा नेहरू, 1 2 चाचा, मामा क्यों नहीं भाई, मामा नेहरू क्यों नहीं, तो क्योंकि नेहरू जी का 5/8 हो गया ना, 1 2। तो नेहरू जी ने हिंदुस्तान को ठोक दिया, आम सेमिनेशन लाए नहीं, कोई आम सेमिनेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम कोई भी अटैक करेगा, चाइना ने अटैक किया हमारी ठुक गई, हम यूनाइटेड नहीं रहे, कश्मीर हमारे पास आया तो नेहरू जी वाले ना हमारा नहीं है, यूएन से पूछो किसका है, अभी कभी तो बच्चा तेरे खुद नहीं पता तेरा है टीवी चोरी करके ले गया, या SHO बताएगा किसका टीवी, जो लोग लड़ रहे हैं इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद देम, वो गोली नहीं भेज रहा, जूते नहीं है, वो बटों से लड़ रहे हैं। आप मेजर शैतान सिंह आप पढ़िएगा, मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र विजय, वो संगीनों से लड़े और बटों से लड़े, आगे गोलियों से, ये हालात। इसलिए नेहरू जी का जो राज रहा वो हमारे देश का बहुत बड़ा विशाल रहा, तो नेहरू जी के एक दिल की इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मेरी राख जो है पूरे हिंदुस्तान में फैला दी जाए, जब राख फैलाई 3 अकाल रहा, मरने के बाद जो है शास्त्री जी बने, शास्त्री जी का क्या नारा था, जय जवान जय किसान, रीजन क्या था, क्योंकि नेहरू जी की राख फैला दी गई थी, अकाल था और खेती जीत। दूसरा जो है चाइना वॉर से हारने के बाद जो देश का जो है जो जवान था, मतलब हमारी जो आर्मी थी वो डिमोरलाइज थी, हमारी आर्मी इसलिए भी डिमोरलाइज थी, वो इकट्ठी नहीं हो पाई, इंडिया अलग अलग था, तो एक मराठा यूनिट है, एक जाट गोम जाट है, एक गोरखा है, एक पलाना आज भी है, तो वो एज एन इंडियन उनको कोहेसिवनेस कैसे करें, कैसे यूनाइट करके लड़े, अभी वो चीजें डेवलप नहीं करेंगी। नेहरू जी ने कह रहे हो तो भाई होगा ना, नेहरू जी तो भाई बुरी हालत, तो शास्त्री जी ने शुरुआत की, शास्त्री ने शुरुआत की, मेरे को अच्छा वो मुनि बनाना आता है नक्शा, उसको भी ट्राई कर, तो आपको याद होगा कि 65 में वॉर हुई, जब नेहरू शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी से पहले सिर्फ एक प्रधानमंत्री हुआ जिसके कहने पर लोगों ने त्याग किया देश के, उन्होंने कहा आलू खाएंगे, खाली पेट रहेंगे, व्रत रखेंगे बेशक, लेकिन लड़ेंगे, हारने वाले, तो लोगों ने खाना छोड़ दिया, आप कब आप मुझे पूछना नहीं चाहिए, यू मदर यूज टू बनी राइट, हमारी तो एज है मतलब 64, मेरे 64 का पैदाइश है, मेरे पैदा होने के एकदम नेहरू जी की डेथ, तो 55 में तो कहते एक साल का हुआ मैं, सवा साल का था, 3rd September 65 में वार हुई थी, और उस समय जोश बहुत था, 71 में फिर वार हुई थी, तो विद इन दिस 62 एंड 65 द कंट्री वाज द आर्म फोर्सेस वर यूनाइटेड ओनली बाय शाह, नॉट बाय नेहरू। अब आम सबमिशन फिर नहीं था, पैसा था नहीं, ये हालात थी कि अगर हम 130 करोड़ रुपए हमें देना पड़ता गेहूं का जो हमने अमेरिका से आयात किया था,
तो हम बैंकरप्ट हो जाते हैं। आज छापा मारो किसी प्रॉपर्टी डीलर घर, उसके घर 130 करोड़ निकल आएगा। जेई के घर मार लो 1300 करोड़ निकल आएगा। गोल्ड की टाइल निकलेंगे लगेंगे बाथरूम में, भीड़े भी जड़े हों तो बड़ी बात है। ये हालात हिंदुस्तान की करप्शन। एनीवे, तो जब 65 में वॉर हुई तो ये पंजाब, ये राजस्थान, थोड़ा सा आइडिया हो किसी को, नक्शे का नक्शा तो मैंने 87 ही बनाया। तो यहाँ तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में जो टैंक यहाँ आकर खड़े हो गए अमेरिका के, पैटर्न टैंक जो है वो अमेरिका ने यूज करने थे दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो हमने नए बनाया, हमसे खरीदना फिर भाई, देखो कितनी जबरदस्त मारते। और हमारे पास क्या था, बंदूक के लेके खड़े थे लोग टैंकों के अगेंस्ट। तो शास्त्री जी ने बोला जनरल को भाई क्या करे, वो तो बोला इस्लामाबाद से कि सवेरे चलेंगे और शाम की चाय जो लाल की लगती है, ठीक है। तो यहां पर खड़े थे लेफ्टिनेंट जनरल महावीर चक्र विजेता जनरल हरभाग सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरभाग सिंह। उसको फोन आया ओकी टॉकी से, चलो कि भाई तुम्हारे पास टैंक नहीं, कुछ नहीं, बंदूक भाई क्या करोगे, अंबाला के पास आओ, यही लड़ेंगे, उनको आने दो। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह है, अब जानते हो जो अभी सीएम है, ही वाज डेप्यूटी टू लेफ्टिनेंट जनरल हरभाग सिंह। तो वॉकी टॉकी में पहले वो जूनियर उठाता है, तो उसने जूनियर ने बोला है जी कहते बहने जी की करना है। तो कह दिया जनरल को, क्या अंबाले ही आऊंगा मैं, लेकिन कल शाम चाय पीने आऊंगा, तेरे वही मिलेंगे शाम आफ्टर द बैटल इज ओवर। तो यहाँ गन्ने के खेत थे, रात को गन्ने के खेतों में एंटी टैंक माइन लगा दी, जीपों पे एंटी टैंक मिसाइल छोटे मोटे जो है वो थे रशियन, और बाकी जो टैंक बचे तो अपने छाती पे एंटी टैंक माइन बांध के लोग नीचे लेट गए हमारे सैनिक। ये इंडियन आर्मी है, 3 घंटे में लड़ाई खत्म हो गई। अब आप समझते हो अमृतसर से अंबाला अगर शाम 5 बजे किसी ने पहुंचना, कितने घंटे लगेंगे सर जी? आज भी 3 घंटे लगे। तो शाम 5 बजे चाय पीते आपता, पर की करना भाई दसो। तो 100 से ऊपर टैंक उड़ा दी। दिस इज इंडियन आर्मी, जिसको सारे गाली देता है राहुल गांधी, कांड के नीचे मिल जाए कांड के नीचे, पता ही कुछ नहीं, दे डोंट नो हिस्ट्री। तो बिकॉज शास्त्री वॉज पावरफुल, कंट्री वॉज सेव। जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट पावरफुल, यू कुडंट सेव। ये तो चीनी अपने आप चले गए छोड़ के, वो इतनी दूर वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बीच में तिब्बत पड़ता था अरुणाचल प्रदेश का, करें क्या। अभी अरुणाचल प्रदेश को आप जाके देखो, नथिंग। पंजाब हरियाणा से मतलब जितनी मतलब मिला के मतलब लैंड है उसके बाद मेरे ख्याल उससे भी ज्यादा होगी, 75 लाख मुश्किल से जाते हैं। अभी मैं गया वहां पर, टाइफाइड हुआ हुआ, तो फिर मैं गया वो पुल देखने, दिल था ना यार, बढ़िया चीज बनाई है। फिर इंदिरा जी आई, इंदिरा जी तो आपको पता है 7-8 बार जब भी ये सीट पर रही इसने कतलेआम किया। तो ये जब आई तो कृपात्री महाराज जी की कृपा से आई, उससे ज्यादा सीनियर जो नेता थे जो पीएम बन सकते थे शास्त्री जी के डेथ के बाद, बट बिकॉज शी वॉज दी डॉटर ऑफ नेहरू, कृपात्री जी के पास गए जी मुझे बनवा दो। कृपात्री जी ने बाकी को बिठा दिया, उसने कहा जी एक ही चीज मांगते हैं हम आपसे कि गो हत्या बंद कराए, गो हत्या। तो 66 में ये बनी, तो 7 तारीख को जब ये बन गई 66 में, तो गिरपात्री जी गए कि क्या कर रहे हो भाई अब वो हत्या। तो उसने कहा गिरपात्री जी अब तो मैं बन गई। तो 7 नवंबर 1966 को
हमारे ऋषि साधु लोगों ने पार्लियामेंट को घेरा प्रोटेस्ट के लिए, तो इसने कम से कम 150 साधु मार दिए भाई गोली से, मरवा दी। उसके बाद 76 के अंदर इसने 18 अप्रैल को कम से इमरजेंसी के टाइम पे कम से कम, नहीं तो यहाँ पर दरियागंज तुर्कमान गेट पे कम से कम, नहीं तो यहाँ पर मतलब इनकी जो कांग्रेस की फिगर है गवर्नमेंट की वो 150 की फिगर है, आम लोग कहते हैं 2,500 भी हो सकता है, मुसलमान मार दिए 1984 में, सिख मार दिए। इट्स द ओनली सेकुलर पार्टी इन द कंट्री जिसने हिंदू भी मराए, सिख भी मारे, मुसलमान भी मारे, क्रिश्चियन मारने बाकी हैं। अगर राहुल गांधी मर जाएगा तो वो भी तसल्ली हो जाएगी सबकी, मतलब कमाल के 7-8 थी। 71 में वॉर भी नॉर्थ ईस्ट यही होगा। हम तो ऐसे हम मालूम नहीं सर इसकी क्या, ना तो इसकी पता ना इनकी पता ना, हमें कहां से मालूम कि हमारे पास थोड़ा है या इनके बाप दादा थोड़ा है हमारे पास, तो 7-8 ही हो गए भाई। नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब रहा है आपको याद हो, कंप्लीटली डिस्टर्ब रहा है जब इंदिरा गांधी, ठीक है। अब एमरजेंसी के बाद जब मोरारजी साहब आए तो ये बड़े सारे दल मिलके एक दल बना था, जनता पार्टी मिला, मिले दल मेरा तुम्हारा, तुम मिलके बने दलदल हमारा, तो दलदल में घुस गए सारे, मतलब 2 बिना चली खत्म होगी। एक दिन के लिए चरण सिंह जी बने थे, इन पे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा जी दोबारा बनी तो ब्लू स्टार ऑपरेशन, ठीक है, तो ब्लू स्टार ऑपरेशन में भी वो लड़ाई झगड़े अड़ंगे पड़ंगे, तो 7-8 थी, खुद भी 7-8 हुई। राजीव गांधी साहब मिस्टर क्लीन, इसको अनक्लीन किया था ये अंबानी के बाप, क्या नाम है, धीरू भाई से मिलने गया, इसने टाइम दिया नहीं, तो मुझे पता तू करप्ट आदमी। बोले सर जी वो ठीक है करप्ट आदमी है, लेकिन मम्मी है ना आपकी, वो इतने करोड़ रुपए मेरे पास रख के गई थी कि भैया राजीव को दे देना, बस राजीव तो पगला गया आप पैसे सुन के ही ट्रू स्टोरी। तो ये सब पता चला बीपी सिंह को, बीपी सिंह ने कहा तू करप्ट आदमी है, हर जगह से पैसे खाने शुरू कर दिए, फिर आदमी को एक बार जब लत लग जाती है तो फिर हर जगह से लूटना शुरू करता है। तो मैंने बीपी सिंह के आगे हाय हाय इसलिए लिखा है, बीपी सिंह वाज द पर्सन जो कौन सा लाया था सर, मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन मतलब आरक्षण, आरक्षण से क्या करना, ये अहीर है, ये जाट है, ये पलाना है, ये डिगड़ा है। तभी दो पार्टियां ऐसी बनी इंडिया के अंदर, एक समाजवादी पार्टी और एक बीएसपी, बीएमडब्ल्यू है, मायावती भी आ गई। कि अब जो है पॉलिटिक्स बदल गई, अब पॉलिटिक्स होगी तू पंडित है, मैं मुस्लिम हूं, मैं शिया हूं, तू सुन्नी है, मैं अहीर हूं, तू जाट है, तू गुज्जर है, एंड ऑल। इसलिए हाय हाय लिखा है, इसलिए आया नहीं लिखा कि वहां पर उस समय पे सारे आया ही कहते थे इसको, एक्चुअल में भी आया ही कहते थे इसको, सारा टाइम इसने गाली खाई यार, ही हैड टू स्टेप डाउन, चंद्रशेखर बिकेम द पीएम, 4 आप कुछ कह नहीं सकते, बट इसके रेजिम के अंदर गोल्ड रखना पड़ गया था, हमारे पास पैसा खत्म हो गया था, राजीव गांधी की गलतियों की वजह से हम रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो लंबी बात है। चंद्रशेखर का जो गोल्ड है वो बचाया एमएमएस ने, MMS was the finance minister. हम वापस गोल्ड ले आए, उसने टैक्स बढ़ा दिया था, टैक्स बढ़ गया, गोल्ड वापस आ गया। लेकिन जो आप आज इंप्रूवमेंट देख रहे हो, अगर आज हम इंडिया से बाहर अमरीका वगैरह जाते, हम सोचे कि हम घर वालों के लिए क्या ले जाए, लगता है ग्लैंड फिटिज की बोतल है जी बस, नहीं वो भी मिलती है सर, सिर्फ ये आएगी चलो जी सस्ती सस्ती पै जाएगी, ड्यूटी फ्री बस, चॉकलेट भी मिलती है, अब सब मिलता है, मर्सिडीज बोलो, रोल्स रॉयस बोलो, ये बोलो, वो बोलो, जगुआर शेगुआर तो खरीद लिया हमने। बट MMS वो नहीं कर पाया कि गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है, आज भी गरीब जो है वो 2 पे बैठे। राहुल गांधी कह भी रहा कि मोदी जी ने शौचालय में घोटाला करा, हमारे टाइम पे सिर्फ 2 पे बैठे, इतनी ईंटें लग रही। तो वो गरीबी और अमीरी का जो
बीच आया वो नहीं खत्म कर पाया मैं बस एनीवे इसके बाद देवगौड़ा ये डेढ़ साल राज ने पैसे इकट्ठे किए आई के गुजराल ने सबसे ज्यादा सत्यानाश किया इसने रॉ खत्म रॉ खत्म करने से क्या हो गया कि पाकिस्तान का रास्ता खुल गया हमारे को टेररिस्ट भेजने का हमारी वहां की इंटेलिजेंस खत्म करी ये में से सबसे सत्यानाश प्राइम मिनिस्टर चार महीने में ही बर्बाद कर गया लोग पता नहीं है एनीवे तो उसी वजह से आज तक देखो हम भुगत रहे उसको ठीक किया आगे मोदी ने द फर्स्ट ऑफ इसने वापस जो है अजीत डोभाल गया था वापस रॉ को वहां पर अब देखो पिछले पांच साल में एक बम नहीं पटा हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर को पंजाब में अलगी छोटी मोटी घटना हुई हो तो हुई हो बाकी अदरवाइज पूरे इंडिया में कहीं कोई घटना नहीं ए बी वाजपेयी इसकी ये अनमेरिड था बताइए आपको अनमेरिड था तो ये जनानियों का कैसे सेट करते इसको पता है तीन जनानियां इसको बहुत तंग करती थी एक ममता नहीं माया नहीं थी तब सर तंग नहीं करती थी एक ममता एक जयललिता मार्गी अब तो एक शेख हसीना वाजिद बांग्लादेशी बेचारा संभाल नहीं पाता था बाकी तो ठीक कभी कभी टाइप का आदमी था नाइस मैन बट ही डिड अ ब्लंडर अंडर प्रेशर विच ही शुडंट डू प्राइम मिनिस्टर शुड नेवर कम इनटू प्रेशर ये जितने भी टेररिस्ट अब जिनको हम मारने को दौड़ रहे हैं ये छोड़े गलती से इन्होंने थे आईसी 814 जो है वो आईसी 814 वो काठमांडू से जो है वो हाईजैक होगी थी कंधार में छोड़ के आए थे अजीत डोभाल साहब हमारे यही छोड़ गया इसके बाद MMS तो जानते हैं आप ठीक है जी फर्स्ट टर्म तो फिर भी ठीक था पता नहीं आपने पिक्चर देखी नहीं देखी सेकंड टर्म में सोनिया माता ने लूट कराया देश लूट शायद 200-150 साल में इतना अंग्रेजों ने लूटा होगा जितना 5 साल में सोनिया माता ने लूटा सोनिया माता इज टुडे रिचर देन क्वीन एलिजाबेथ हम जब बच्चे होते थे स्कूल में पढ़ते थे तो नंबर वन सबसे ज्यादा रिच आदमी कौन था बताते क्वीन एलिजाबेथ नंबर टू किंग ऑफ ब्रुनेई का उसके पास तेल था वो उसकी कार है भाई साहब गोल्ड की आज जो क्वीन एलिजाबेथ नथिंग अब एप्पल ये वगैरह लोगों के बैठते हुए मानी बढ़ गया उससे इतना पैसा आ गया चीज बदल गई अब टेक्नोलॉजी बदल गई पैसे कमाने के तरीके बदल गए है ना बट सोनिया माता इन 5 years नाउ हियर कम्स मोदी मोदी का तरीका देख लिया को मैं से पूछ रहा था बोला कि आप मोनिक्स फेसबुक पे हमेशा मोदी जी के बारे में पॉजिटिव लिखते हैं मैंने कहा मैंने कभी नहीं लिखा भाई जो होगा वो लिखूंगा बोलता मोदी ठीक है मुझे नहीं पता आप मुझे बताओ हमारा रोड्स बन रही है क्या ट्रांसपोर्ट रोड इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ठीक है बोला नहीं नहीं वो तो मानता हूँ ट्रेन पहले से बेहतर हुई है सफाई बेटर आएगी पैसा ज्यादा आ रहा है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव हुई है फॉरेन मिनिस्ट्री बेटर काम कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री में अभी निर्मला सीतारमन उठाई है ठीक काम हो रहा है पहले पाकिस्तान बोलता था मैं जो है न्यूक्लियर स्टेट हूँ आई बोलता भाई प्लीज मारो शांति चाहिए कुछ भी नहीं किया हमने वी डिड नथिंग सिर्फ डराया डराते भी नहीं थे हम तो एक दो मार के तो आया मेरे साथ तो कुछ खास हुआ भी नहीं तो ऐसे ही डरा दिया मैं सारा ठोक दूँ इतने में डर गए इतनी सी बात करनी थी बस करना ही कुछ नहीं था एटीट्यूड ही बदलना था तो इसका हेड कौन है वो दी नेक्स्ट टाइम मोदी नेक्स्ट टाइम योगी ठीक तो इम्पैक्ट पड़ता है इसका मतलब सीईओ जो है वही काम कर रहा है अगर सीईओ जो है वो नहीं पकड़ पा रहा तो सी आप जैसे मैंने बताया डिफेंस मिनिस्ट्री सही काम कर रही है फलानी कर रही है डिग्री करी तो जब तक टॉप बॉस नहीं कस के रखता तो नहीं होगा स्मृति ईरानी डिडंट कुडंट डू गुड जॉब हटा दिया उसने उसको मिनिस्ट्री ऐसी दे दी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कपड़ा मंत्रालय शी वॉज नॉट जो आदमी मैं लेक्चर देने में अच्छा हो सकता हूँ लेकिन मैं जरूरी नहीं मैं गवर्नेंस में अच्छा हूँ सबकी अपनी अपनी क्वालिटी हो ठीक है ना
तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि सीईओ वो चुनेंगे जिसके 2, 6, 10, 11 चल रहे होंगे उस समय, हमें चुनना है। जिसके बुरे चल रहे होंगे या नॉर्मल से चल रहे होंगे फिर उसको, हम तो यही वाला 2, 6, 10, 11 सीईओ तो वही, बाकी वो काम ले लेगा उनसे। सर जैसे जैसे मोदी का अभी मून चल रहा है तो उसमें 10, 11 चल रहा है और इस इलेक्शन में भी वो कंटिन्यू रहने वाला, बट दो मिड टर्म जो होगा 5 साल में बीच में वो मार्च पे जा रहा है तो उसमें 10, 11 नहीं है, नॉर्मल प्लान है, खराब भी नहीं बुरे भी नहीं, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि वो नहीं, अगर बाकी प्लान ठीक है तो इट विल कंटिन्यू, तो मतलब ही विल कंटिन्यू डूइंग हिज जॉब जो जितना मेहनत अभी कर रहा है, ही विल कंटिन्यू दैट। ठीक है, अब ये बात कर रहे हो आप 2024 इतना काम कर करके दिमाग सटक लेगा ना, दिमाग बहुत काम कर लिया उसकी हर रोज को बताती भाई, मैं नहीं कुछ पता उसके बाद उसका मतलब दिमाग मेंटल बैलेंस एज एज भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी देखा था तब वहां पे सामने कॉम्पिटिटर था कि दो में से एक जीतेगा, तो यहाँ पे तो मोदी के सामने हमें पता ही नहीं है कि कौन बनने, मोदी के आगे है बचा ही कोई नहीं, बात ही खत्म हो गई, मोदी आगे है ही कोई नहीं ना यार, तो उसमें तो कुछ पत्री लगाने की भी जरूरत नहीं, इसमें तो ये तो कॉमन सेंस का जवाब, बिफोर द एयर स्ट्राइक ऑल्सो इट वॉज ए कॉमन सेंस का जवाब, हम तो बता चुके मतलब आज से कुछ 6 साल पहले 2016 में बता चुके, हम 2013 में बता चुके भाई दो टर्म का समान है ये, एक टर्म का नहीं है, लेकिन पहले 1-1.5 साल लोगों को लगा नहीं जम नहीं रही बात, बाद में पता चला कि वो 1.5-2 साल कर कह रहा था, योजना बनानी पड़ती है, ऐसे थोड़ा ना होता है जाके बंदूक गोली मतलब भरी हो गोली चला दी, ठीक है ना, तो वो मतलब वो कर लेगा, लेकिन अब वो योगी को लाना पड़ेगा मुझको ऐसा लगता है, कि एक यंग ब्लड चाहिए, मोदी का जितना हिस्ट्री है वो काम अच्छा करता है, कोई लीडर अंदर से नहीं बना पा अपनी टीम, तो कोई बात नहीं सर, यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाना सर, आरएसएस ने बनाना है, आप ये भूल जाओ कि बीजेपी रूल कर रही है, प्लीज फॉरगेट इट, इट इज आरएसएस, आरएसएस के लोग अगर नहीं साथ में जुड़ेंगे बीजेपी की, वाई इन 2009 कांग्रेस केम अगेन, वन वाज दैट कि हमारा कोई बैंक कोलैप्स नहीं हुआ, दूसरा जो रीजन था कि आरएसएस के लोगों ने ज्यादा काम नहीं किया क्योंकि अडवाणी वॉज मेड दी प्राइम मिनिस्टर फेस, ये आरएसएस पसंद नहीं करती क्योंकि आगे जाके उल्टे पुल्टी बात कभी ना कभी मुंह से कह देता है, जिन्ना वो था जी सेकुलर था भाई, कहां से सेकुलर, सारी दुनिया जानती है, वो भी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, मुस्लिम स्टेट पैदा कर रहा है, कहां मुस्लिम स्टेट पैदा की भाई, इज नॉन सेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ प्रोफेशन आदमी को चुनना चाहिए या वो पसंद करता है या वो जाया जाता है, उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा, वो एक अलग हुआ। अनित जी आपका क्या सवाल था? सर ये जो फ्रॉड में था 368 मर्करी और जुपिटर, जुपिटर क्यों यूज करते हैं इसमें? विजडम, विजडम का कारण है, विजडम ही बिगड़ती है तभी तो आदमी गलत काम करेगा। सर और ये फ्रॉडरी वगैरह में ये कैसे पता चलेगा, करी है इसने या इसके होगी? मैडम असेंडेंट देखेंगे हम हमेशा ना, असेंडेंट अगर खराब होगा तो वो आदमी करेगा, असेंडेंट खराब नहीं होगा तो उस पे होएगी। और सर रेप में भी ऐसे ही होएगा क्या? नॉर्मली औरत तो कर नहीं पाती। जवाब दे दिया मैंने, औरत कैसे करेगी रे, कर सकती है। वो मैंने कराया था ना मैडम जी, मैं बताया तो उसमें मैंने बताया था ना कि जो मर्डर करने वाले हैं या हिंसा वही है ना, तो उसका असेंडेंट के अंदर मार, थैंक यू सर, वही 7-8-12 वगैरह। ओके सर, ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाहर हूँ, उसके नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो जी वो मैरिज वाली दो देख लेंगे क्या है भाई? 30 जुलाई 1991
10:17 PM सीहोर सर सीहोर SEHORE सीहोर HORE Lieutenant General Harbhajan Singh was suffering from beriberi in the Second World War. He was captured by Japanese Army. वो Lieutenant General उन्हें पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता. क्या भाई साहब, क्या personality होगी, मतलब कमाल. अरे भाई. सरदार ना दो ही वजह से जाने जाते हैं. एक तो जोक्स की वजह से, एक जोक्स की वजह से, एक बोल्डनेस की वजह से. उनका मच्छरदानी पालो सारे टैंक द गोला क्यों बढ़ेगा, मच्छर ही नहीं घुस सकता टैंक द गोला क्यों बढ़ेगा. हमेशा अब भी देख लो सर, मार दो ये 1.25 लाख में निकल नामा चिड़िया ना जो पाल ना वा क्या पता ही नहीं. हाँ केसरी, वो तो वो पुराने ही व्यवहार है ना, 21 वर्सेस. हाँ जी सर जी, क्या क्या है जी सब मैरिज के लिए. जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें 2711 कॉम्बिनेशन भी नहीं आ रहा और मैक्सिमम उसमें 1610 आ रहा है. एक जो केतु जो है वो ऑलमोस्ट डिनायल है, डिनायल है ना, डिनायल जी है, वो पॉजिटिव है. सन भी डिनायल है एक तरीके से, सन भी डिनायल जी, सब मून भी डिनायल है, मार्स का भी सत्यानाश है, राहु भी कुछ नहीं कह रहा, जुपिटर भी बड़ा डिनायल 1610 आ रहा है. वही बड़े बच्चे फिर मरकरी और वीनस बस. तो अब सर ऐसे केस में कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो 2711 कहीं दिखाई नहीं, तो यही समझ नहीं आ रहा कि शादी होगी कि नहीं होगी. नहीं वो तो फिर समझ में आ रहा है कि शादी नहीं होगी, लेकिन अब मान नहीं रहे कि शादी. हाँ ये फिर वीनस, क्योंकि वीनस वो एक्चुअली क्या, हम ना ये मतलब इस समय पे कह नहीं पाएंगे, कोई अगर क्लाइंट भी सामने होगा इसकी शादी नहीं होगी. अच्छा हाँ वो सर, वो कैसे कैसे बोल देंगे उसको भी नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे की शादी नहीं होगी. हम बोलेंगे कि भाई हाँ जी और देखो मतलब वो तो सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 2-4 साल शायद लग जान ज्यादा. अच्छा तुसी ना ले जाओ उपाय करो, फिर बंदी है. यही गोलमोल जवाब देना, सीधे तो बात करनी नहीं. अगर आप नहीं होगी तो आपकी जबान काली है, आपकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं है. when you are giving a good prediction but it is not obviously क्यों पसंद आएगी बात, तो फिर वो ये नहीं बोलता कभी भी कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक है, वो यही बोलता है आपकी जवान काली है. मैं हमें पहले पता नहीं था, होता था जब बच्चे थे शुरू शुरू में, जब मैं की प्रेडिक्शन पहली बार फर्स्ट टाइम. अरे पहली बार जो क्या होता है कि भाई एक तो इज्जत का कुछ नहीं होता. अब देखो अब इज्जत का बहुत है, प्रेडिक्शन ठीक हो इज्जत का बलूदा बनेगा. गुरु की खुद की प्रेडिक्शन ठीक हुई नहीं, दूसरे की पता नहीं क्या करेगा, अपना तो पता नहीं ना. बाबे अंदर हो गए तो बाबा खुद तो अंदर है, दूसरों की वही वाली बात है, अपनी प्रेडिक्शन हम ठीक नहीं कर सकते, दूसरों ही क्या करें. तो शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, तो फर्स्ट टाइम हमने प्रश्न ज्योतिष का स्टॉल लगाया, तो लेडी ने पूछ लिया हमसे कि शादी कब हुई. अब जब नया नया हो गया ना मुसलमान, अल्लाह अल्लाह बोला, तो ज्यादा कहने की आदत थी, पूछेगा कम बताएंगे ज्यादा. अब हम पूछता जितना भी पूछता उतना भी नहीं मिलाते, क्योंकि रीजन है कि यार कि बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, मेजोरिटी यही है. बोला शादी कब होगी, वो दिवाली मिला था, हमने कहा लो जी अप्रैल में तैयार है शादी और लव मैरिज होगी. अब ये बात है 95 की, अब 95 के टाइम पे लव मैरिज या लव जो है अच्छा नहीं माना जाता, लव होना अच्छी बात नहीं मानी जाती है. लोगों को लगता है कि बेस्ती करती है बच्ची, नहीं साड़ी कुड़ी तो हो जी नहीं है, तुसी की वे कह देता. अब लड़की भी साथ में खड़ी थी, लग रही थी, मैं कहा नहीं ऐसी तो नहीं होगी. अब मुझे क्या पता अभी लव था नहीं था, मुझे भी लग रहा है अभी लड़की ऐसे नीली पीली सी होगी, हाँ ऐसे मुंह लगी मैं अभी, फिर वो ना बांधने लग जाता ना लपेटने,
मगर नहीं जी वो हाँ मैं मतलब सीखा कि भाई कोई मुंडा पसंद आएगा तो तुम कह देगी कि जी मैं मुंडा पसंद है मतलब ऐसा मतलब ऐ नहीं ओंज नहीं ऐसे वैसे अब वो पता चला कि वो जो दिवाली मेला जो है हमारे ससुराल में पीछे लगा हुआ था तो उसके जो स्टॉल की जो फीस भी रजिस्ट्रेशन भी हमारे ससुर जी ने कराई सारे जानते थे भाई दुआ साहब का जो भाई तो उन सभी ने पूछे थे लोकल मेला था उस लड़की मार्च में किसी लड़के के साथ भागी अब सब बोले भी वो पूछो जी वो बुधवार साहब की जवाई से भी आगे क्या होगा बोल दानी उधर जबान काली है उसे नहीं ये बात है हाँ मेरी बुढ़ी तो है जी नहीं थी मैं तो पहले ही कहनी है सर जी अपने लड़के ने अगर शीशा तोड़ा किसी कार का तो उसको ना पप्पू सिखाता पप्पू ने तोड़ा तो पप्पू तो खराब है दूसरा बताओ सर सर दूसरा है 19 सितंबर 84 टाइम 3:15 सर पीएम जी दिन में और प्लेस इंदौर क्या देखना सर इसमें भी मैरिज कही सर वही तो थोड़े भात साफ करने की कोशिश कर रहा था कुछ लड़किया लड़का भले होता जी सर लड़किया है लड़की और उसको है लड़के का ये लड़के का है अच्छा ठीक नहीं है ये बात लड़के भी आसाब कर केतु जो है बड़ा कमजोर सा है विनेश तो ठीक ही रहता हाँ अभी 1:16 ज्यादा ना सन जो है वो भी नेगेटिव ही है ना वो वाई है मून भी नेगेटिव की तरफ है मतलब इट इज इसके नंबर बनाए अगर जैसे तो 6, 10, 10, 7, 7, 11 एक होगा नीचे 10 आ गया मार्स भी 6, 10 है 11 और 11 में करेक्टिविटी नहीं है ना वीक है राहु तो छोड़ ही दो अच्छा ये जुपिटर भी कमजोर हो गया 10, 11, 1, 2, 10 इधर भी 2, 11 है ना 10, 1, 10 शनि फिर भी बेहतर हो गया 1, 2, 10 पैटर्न है नीचे 11 हो गया और जो मरकरी है उसमें वो भी डिनाइल ही है ऑलमोस्ट नीचे 7 है तो अब क्या है कि कोई भी प्लेनेट जो है अदर देन शनि उसमें दम नहीं है शनि तो किसी में दम नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा डाउटफुल सा हो गया क्योंकि हमेशा जैसे एक दशा अच्छी है दशा है तो दशा भी अच्छी है तो बाकी के कंपैरेटिव से अच्छी है ये वैसे कोई खास दम कम अच्छी तो अब ऐसे में ना क्या है कि हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है बताने का भाई होगी नहीं होगी तो होगी कब होगी तो इसमें यही है कि जैसे ना जहां पर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जैसे अभी मून चल रहा है जैसे तो मून 10 ये 11 ये थोड़ा सा नीचे 11 है तो कंपैरेटिवली कह सकते हैं तो हम इनको बोलेंगे शनि मार्स वीनस ये पीरियड इनको दे देंगे और साथ में ना कुछ उपाय दे देंगे क्योंकि ये डिनाइल नहीं है जी देख लिया कि कोई डिनाइल वाले दो एक भी प्लेनेट थे दो से तो हो तो लेगी बट उसी पीरियड में 2020 में लग रही है और उपाय मैं बता दूंगा भी जैसे मेनली आपको बता देता हूँ कि अगर आप अभी देना चाहते हैं अगर आपको जानकार है तो ये जो दशा है ना इसकी मंत्र दे जो उपाय काम करता है बाकी कोई स्टोन बता सकते हैं जो अच्छा प्लांट इसका कोई है नहीं मंत्र करे जब पीरियड थोड़ा ठीक आने वाला है तो फिर हो जानी चाहिए अब सर बात ये है कि ये दोनों कुंडली है ना मेरे सालों की है तो अभी अगर मैंने अपनी वाइफ को ऐसा बता दिया बात ही नहीं हमें आते ही नहीं सीख रहे हैं मतलब वो मेरा तो यहाँ से अगली क्लास अटेंड होना ही रिस्क हो जाए भाई घर में तो मुंह छुपाना ही पड़ता भाई अगर मैंने बता दिया कि दोनों की शादी है तो मेरे को डाउटफुल लग रही तो मेरी शादी खतरे में आ जाएगी भाई हमने दोनों कहा था ज्योतिष सीखने आओ ठीक है ना तो अपना ही पता चलेगा दोस्त होंगे सर तो उसमें शनि का मंत्र दे सकते हैं ना जो आपके जो बता दो ना शनि का मंत्र बोला शनि का मंत्र कर दो तो होने की सुबह उसको भी एक मंत्र पकड़ा दो मतलब साली को सर एक मेरा ब्रेक में
साली को भी एक मंत्र पकड़ा देना और क्या करते रहेंगे अपना मस्त भाई कर नहीं सकते ना कुछ। अब मेरी भांजी है उसका 31 की एज में शादी थी जी। जब वो 22-23 साल की हुई हमारी बहन जो पूछने लगी बता 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 नहीं बता अभी मैं कहा साल अभी भी साल मैं उन्हें शनि थोड़ा एक छोटा सा टाइम है अभी हो गई तो हो गई नहीं तो फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे ऐसे कर देते थे। फिर क्या है सिस्टर ने ना पढ़ना शुरू कर दिया। अब सिस्टर देखे अब दिल नहीं करता ना अपनी पत्री अगर खराब है तो मानने का भी ऐसा होगा। फिर हमने देखा हमारी पत्री खराब है हमने देखा हमारे साथ ऐसा होगा बट हो जाता भाई लगता नहीं लेकिन होता। फिर जब होनी थी तो हो गई लड़का भी आ गया सब कुछ हो गया। जब इसका भी पीरियड आया तो हो जाएगी वो छोटी वाले का तो सर हाँ जी बताइए मैडम सर मेरा भी बताइए बताइए 1992 IST 2336 एंड कलकत्ता 1996 तो है लेकिन ये जो 1992 मंथ भी जरूर होगी सर 1992 7th April मैंने कहा ना डेट पे जरूर पैदा होगा डेट और मंथ में जरूर पैदा होगा ये बात मेरी पक्की है। ये होती है मैडम प्रेडिक्शन टाइम भी बताना है दोबारा से प्लीज सर 2336 IST ले कैलकटा में क्या देखना है सर मैरिज और कुछ भी सिर्फ देखना है कुछ भी हमने एक जनरल देखते हैं जैसे केतु है मतलब अभी तो हमने दो तीन मतलब ये पढ़े मैरिज और प्रोफेशन तो केतु इज नेगेटिव फॉर मैरिज वीनस इज पॉजिटिव फॉर मैरिज सन इज नेगेटिव फॉर मैरिज मून इज नेगेटिव फॉर मैरिज मार्स इज नेगेटिव सो इज वीक फॉर मैरिज पॉसिबल जुपिटर इज आल्सो वेरी वीक फॉर मैरिज बियरली पॉसिबल सैटर्न इज वी कांट से वेरी श्योर व्हाट इट इज 6 इज स्ट्रॉन्गर देन 2 राइट मर्करी जो है वो पॉजिटिव है एक प्लैनेट है जिसमें दम है नहीं दो प्लैनेट है जिसमें दम है मर्करी और वीनस जो हमारे कमजोर हैं वो हैं राहु और जुपिटर और शनि वो बहुत कमजोर है राहु तो डिनायल ही मान लें हम 6-6-6-10 साथ क्या करें ना जॉब के लिए अच्छा मून जॉब के लिए भी खराब है 6-8-6-8 उसमें भी दम नहीं। अब आ जाते हैं हम कि राहु जो है ठीक मिनट जाता है ठीक है राहु में तो शादी होनी नहीं राहु क्योंकि राहु में मार्स चल रहा है इसलिए और जुपिटर की दशा में शादी होती है जुपिटर में मरकरी इससे पहले शादी नहीं हो सकती इसको भी जुपिटर जुपिटर के मंत्र मुंत्र करने पड़ेंगे कहीं हमारी जुपिटर मरकरी वीनस की प्रेडिक्शन ना खराब कर जाए वैसे ठीक है हो जानी चाहिए मरकरी वीनस आर वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाना। अब देख लेते हैं कि जैसे ना इसके आप देखोगे कि मतलब हमने ना कभी पढ़ा नहीं है वैसे इसके जैसे ये 6-8-12 जैसे तुम्हें ना 1-6-8-12 1-8-12 1-8-12 1-8-12 1-6-8 ये ना हेल्थ के लिए थोड़ी सी खराब है लिटिगेशन हो जाती है ये हेल्थ को डिस्टर्ब बताती तो हेल्थ इसकी जो है डिस्टर्ब रहेगी तो बेसिकली डाइजेशन वगैरह और 7 जो है अगर 7 के साथ 8-12 होता है फिर हम करेंगे बाद में उस 7th ऑर्गन मतलब बांट लेते हैं हम ऑर्गन्स को 1-2-3 वहाँ 1 से लेकर 12 हाउसेज में ऑर्गन्स बटे हुए तो 7th हो गया तो दिस शोज मोर टुवर्ड द यूरिनरी ट्रैक्ट्स ट्रैक्ट या इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स किडनी वगैरह इस तरह किडनी ठीक रहेगी वो मैं बता दूंगा किडनी क्यों ठीक रहेगी तो बाहर कोई मेजर इशू नहीं नजर आता लेकिन हेल्थ का इशू रहेगा। बाकी तो अभी एजुकेशन प्रोफेशन जो है वो राहु में मार्स कुछ खास अभी नहीं बताता जुपिटर में बेहतर हो जाएगा
प्रोफेशन के लिए कौन कौन से प्लैनेट अच्छे हैं? वीनस मून छह आठ ये में भी दम नहीं है, तो वीनस जुपिटर एंड मर्करी तीन अच्छे हैं, तो इसका मतलब प्रोफेशनल लाइफ भी ओके टाइप है, ज्यादा कुछ नहीं है। और ये आपने अभी सवाल पूछा था, आप भूल गए, आपने मेरे पूछा था वीनस बता रहा है दो तीन छह सात दस, इसका क्या मतलब है? हमें इससे कुछ नहीं देखना बहन जी, हमें ये देखना है क्या ये मैरिज के लिए ठीक है, 3 6 11 2 3 3 7 10 हाँ ठीक है, क्या ये एजुकेशन के लिए ठीक है, मैंने पढ़ाया नहीं, हाँ ठीक है, क्या ये प्रोफेशन के लिए ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लैनेट बोलता है, अगर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो ये बताए कि वीनस ये बता रहा है, इसका क्या मतलब है, हमें नहीं पता क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ेगा, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर क्वेश्चन उसको डालना पड़ेगा, इसके लिए बता क्या करेगा। तो मेनली नो क्वेश्चन, कुछ होना नहीं, मेरे बच्चा है तो पढ़ाई होनी है, फिर प्रोफेशन होना है, हेल्थ है, ये एंड ऑफ इस चीज चलेगा सर। सर अब एक क्लास में आपने बताया था कि मरने के बाद 13 दिन के बाद आत्मा छोड़ देती है, बॉडी भूल जाती है, उसका मेमोरी डिलीट हो जाता है, सर सच में ऐसा होता है सर? नहीं, इट इज पार्ट ऑफ द कोर्स, बट इट इज, हाँ भाई क्वेश्चन आ ना कर, मना थोड़ा ना करता यार सवाल का, वो बता दो हेल्थ में बताना है, ये चाइल्ड बर्थ में बताते हैं मैडम वैसे, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया तो बता देता हूँ। ये है स्पर्म, ये है ओवम, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है। मैडम आपको ज्यादा ज्ञान है, मेरे को हो नहीं सकता क्योंकि मैं मेल हूँ, फीमेल्स को ज्ञान ज्यादा होगा। और स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे तो जाइगोट बनता है, ठीक है। अब जाइगोट के बाद 3 महीने के अंदर जो बच्चे के जो जो ऑर्गन्स हैं इतने डेवलप हो जाते हैं कि दिखने लगते हैं कि हाँ ये बन क्या रहा है, ठीक है ना। तो एक होता मैडम जी पीनल ग्लैंड, यह पदाइश से ही जैसे जाइगोट बनेगा तभी से बन जाएगा, ये बताएगा कि जो ह्यूमन का स्पर्म और जाइगोट और ओवम ही क्लिक करते हैं, ये नहीं होता है कि ह्यूमन का स्पर्म जो है टाइगर से ओवम से नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना भाई, सेम स्पीशी मिलेगी, डिफरेंट स्पीशी नहीं मिल सकती, बात है। और उस स्पीशी को पता है जाइगोट को कि मेरे को घाती बनना, दिस जॉब इज डन बाय द पिनल ग्लैंड, राइट, ठीक है। अब जैसे आप 3 महीने के होते हैं, 3 महीने हो गए आप, सॉरी 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है, सॉरी 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो उसके बाद टेस्ट बर्ड्स वगैरह बदलने लग जाते हैं और नेचर में भी चेंज आने लग जाता है, कुछ ऐसी चीजें खाने का दिल करता है जो पहले ना पसंद करता हो आदमी, या ना लाइक करता हो, या कुछ और भी पसंद आने लगे, तो कभी नहीं भी खाई ऐसी चीजों की, वो मन बढ़ता है, ऐसा होता है मैडम? उधर मेरे को तो पता ही नहीं था जी, मैं तो कंफ्यूज कर नहीं सकता इस जन्म में, हाँ या ना बोल दो, ना बोल दो हाँ के ना, समझे मुझे, हाँ जी आप ही से पूछ रहे हो मैडम, हाँ, हाँ उसका रीजन होता है यहाँ ना एक हार्ट बन जाता है, हार्ट में एक हार्ट की फॉर्मेशन है। सर ये बेसिक में हमने किया था, मुझे याद है सर, वही जवाब है, बाकियों के लिए जवाब दे देता हूँ। अभी ये 9 महीने के बाद वो पैदा हो गए, अब इसका नाम रखा हमने रामलाल, रामलाल इसका नाम तब रखा है जब इसमें मन बुद्धि अहंकार का प्रूफ आ गया, वो तब आएगा जब ये रोएगा, लाल कटने के बाद रोएगा,
रोया तो वो रिएक्ट कर रहा है, इससे पहले तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब अहंकार नहीं है। रिएक्ट तब करेगा जब बुद्धि होगी, अहंकार तब होगा जब आप किसी चीज जो हो रही है उसके अगेंस्ट खड़े होते हो, उस पर कुछ बोलते हो, वो बोला तो इसका मतलब पैदाइश कब है, जब वो बोला। इस समय पे ये जो फायर, इस समय पे आत्मा का प्रवेश, इस समय पे सोल एंटर करती है। व्हाट इज द प्रूफ की सोल एंटर करती है, ये शरीर है जो हमारा है, अब इसके जो जितने भी सिस्टम चल रहे हैं ये कहां से कंट्रोल होगा, सम एनर्जी विच इज कंट्रोलिंग एट दैट कम्स इनसाइड द बॉडी विच हुज प्रूफ इज नॉट देयर बट परमहंस योगानंद सेज इट कम्स अकॉर्डिंग टू पास्ट कर्म। ठीक है, इसके बाद उसने जो भी कार्य करना है अपनी जिंदगी में, बड़ा होगा, अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसके बाद जो है इसका डेथ का टाइम आ जाएगा। अब रामलाल में से आत्मा निकल जाती है। रामलाल में से आत्मा क्यों निकलती है, क्योंकि अब शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वो अब होल्ड नहीं कर पाता उस सोल। सोल की एनर्जी बिकम मोर देन द एनर्जी ऑफ द बॉडी, सो यू कांट होल्ड इट। या जैसे गोली लगी, अब वो सिस्टम बेकार हो गया, तो वो सोल उसको छोड़ देगी। अब जब सोल छोड़ेगी तो सोल में इंप्रेशन आ गए, क्या इंप्रेशन आए उसके अंदर, जो उसकी इच्छा है। और जो उसके कर्म के बंधन है, मैंने इस समय पे आपका दिल दुखाया, फलाना किया, डिगड़ा किया, एक वो एक इच्छा है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द एक सुपर कंप्यूटर। नाउ यू से कि मिस्टर तनेजा यू आर टॉकिंग ऑल नॉनसेंस, ऐसा कैसे बेकार की बात है, उसका प्रमाण तो है नहीं, है नहीं है वो। ये मैडम जी आप लेफ्ट ये देख रहे, मोबाइल देख रहे, इसकी मेमोरी है 128 GB, 512 भी आएगा, 1024 भी आएगा, ये भी आएगा 40 MB। अब सोचो 40 MB क्या हो गया, 40 MB का इतना बड़ा लेके आया था मैं 1988, बड़ा सामान। ठीक है, अब उसके अंदर मेमोरी थी 40 MB, वो इतना बड़ा वो कंप्यूटर था, ये इतना सा मोबाइल फोन है। तो हो क्या रहा है कि मेमोरी जो है वो बढ़ती जा रही है और आइटम जो है वो छोटी होती जा रही है। मेमोरी बढ़ती जा रही है और उसकी जो हार्डवेयर है वो कम होता जा रहा है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेमोरी इज देयर, हार्डवेयर इज वेरी स्मॉल। सो वन डे विल नो, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि भाई भगवान है, ठीक है कि भाई, उसने जब कहा कि व्हेन न्यूटन लॉज स्टार्ट फेलिंग, ने कहा ये क्या हो गया कि जो भी लॉज है जब फेल होते हैं कहते हैं भाई भाई भगवान है भाई। अभी हम कहते हैं भाई भगवान है, या तो फंसते हैं या कोई नाक बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, बोले हाँ भाई भगवान है, तुरंत दिख जाता, या फिर ऐसी चीज है जो एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन हो रही हो, रब्दा कर रहा है, अर्थ को एक रब्दा ही है, यू कांट एक्सप्लेन कब होगा, कहाँ आएगा, कब होगा ना, ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं। मैं बैठा रहूंगा तो बताता रहूंगा आपको बड़ी सारी चीज। और फिर ये कहते हैं एक बार आप कह रहे आत्मा है ये नहीं, ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं। शिव को कैसे हम वो करते हैं, क्या नाम है, डिफाइन है ना, शव पे आत्मा, what it is, what it is not, what it is, what it is not. Do we have any example of this? What it is? I have an example. I can give you. Do you have some? नहीं है? नहीं आ रहा है। कुछ मैं बता दूँगा आपको याद आ जाएगा। Light is a perfect example for what it is, what it is not. Now you go into the space at this time. So you will find that sun is like a star. There is no light coming. लाइट ही नहीं आ रही उसमें से, लेकिन जैसे ही वो अर्थ पे आती है लाइट लाइट, जो जब लाइट टकराती है तब दिखती है, व्हाट इट इज नॉट, जब दिखती तभी है, जब वो टकराती है ना तो दिखती नहीं, सारे रास्ते जो ट्रेवल करती है पता नहीं चलता।
ये बातें दिमाग में घुसने लगी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, उसको लगा कि यार न्यूटन लॉ फेल होता है जब स्पीड जो है सुपरसोनिक हो जाती है, जब स्पीड जो लाइट की स्पीड में होती है, तो जो न्यूटन के लॉ फेल होने लग जाते हैं। तो उसने कहा यार भगवान है भाई, ये आत्मा का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इट इज जो मैंने वो मोबाइल का एग्जांपल बताया कि हार्डवेयर इज लिटिल, कितना हार्डवेयर है जो है ना, ये पंच महाभूत खत्म हो गए, मन बुद्धि अहंकार पंच महाभूत। तो सर ये जो आत्मा दोबारा बर्थ पे आई वापस, तो वो इच्छाएं और वो कर्म बंधन लेकर आएगी, वही वही बात डिस्कस कर रहे हैं। ये पंचमहाभूत है, मन इज अ सॉफ्टवेयर, हार्ट इज अ हार्डवेयर, मन ब्रेन इज अ हार्डवेयर, लेकिन माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है ना सर। तो बुद्धि जो है सॉफ्टवेयर है, मन जो है सॉफ्टवेयर है, अहंकार भी सॉफ्टवेयर है। पंचमहाभूत से इसमें आत्मा में बचता गया, पृथ्वी नहीं बचती, जल नहीं बचता, जिसका वेट है, जिसका वेट नहीं है वो निकल जाता है, अग्नि होगी एनर्जी होगी तो अंदर। तो यही है जो भी आपको मेरा जो इतना छोटा हो गया धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो ये जो सैटेलाइट सर्टिफिकेट है ना, ये वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, हमारा आत्मा जो है सैटेलाइट से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी ये जो आत्मा है ये भूल जाती है आपका सवाल है ना, भूल जाती है। अगर वो नहीं भूलेगी तो उसको भी तकलीफ है और हमको भी तकलीफ है। जो आत्माओं को, सभी आत्माएं भूलती है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सभी आत्माओं को नहीं भूलती, लेकिन कम से कम वो ये नहीं भूलती उनको चाहिए क्या। तो जो आत्मा को अर्धी मटेरियल ज्यादा चाहिए, इच्छाएं हो गई, अटैचमेंट्स हो गई, वो अगर रहती है शराब पीने की इच्छा ये सब रहती है, तो वो जो है जल्दी से शरीर चाहती है, वो जल्दी शरीर चाहिए। जिसको काम नहीं चाहिए, रिलेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना, कि मेरे भी बीवी हैं बच्चे रिलेशन चाहिए, बट अब रख दो कि अब खुद संभालेंगे, हमें इसकी जो पैसा आ रहा है कितना कमा रहा है, कुछ नहीं है, प्रभु का भजन कर रहे हैं, इस संसार से व्यर्थ हो, फिर दोबारा वो शरीर की इच्छा ही, तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, उसमें आकाशीय तत्व बढ़ता जाएगा, आकाशीय तत्व बढ़ जाएगा, चलती जाएगी, ज्यादा ऊपर चलेगी तो गई मिल गई जाके। जिसका अर्धी मैटर ज्यादा है वो नीचे है, जैसे एग्जाम्पल राजेश खन्ना की सुबह उठ के जिन पीने लग जाता था, उसके नीचे ज्यादा वो पिशाच बनेगा, वापिस आएगा जल्दी, तो वो जो है वो लेने के लिए, वो एक मजा लेने के लिए वापस आएगा, जो चीजें जो इच्छा है, अगेन ही नीड्स द बॉडी। मैं प्रवचन कर रहा हूं, मेरी इच्छाएं ज्यादा हो सकती है, कंफ्यूज मत कर, प्रवचन करना और उसको पालन करने में डिफरेंस है। सर हमारे आसपास भी आत्मा होती है या चल रही है? मैडम सब चल रही है, वो सब देख रही है, सब कुछ पता है। अगर रिलेशन पता चल जाएगा तो बड़ी बड़ी परेशानी होने वाली है, प्रभु ने ऐसा सिस्टम बनाया। अब जैसे आपको पता चल जाए कि प्रीवियस बर्थ में आपका बेटा आपका पति था, या आपका पिता आपका पति था, या आपका पति आपका बेटा था, ये आपकी माँ आपकी सास थी, आपका मेरा जो मिलन है, आप ही मेरी बात क्यों सुन रहे हो, क्यों समझ रहे हो, आपकी मेरी वेवलेंथ क्यों मिली है, कोई रीजन होगा। ये मेरी वाइफ क्यों बनी, मेरे को प्रताड़ना क्यों देती है, प्रताड़ित क्यों करती है, कोई तो रीजन होगा। ये मेरी औलाद क्यों बनी, क्यों प्रताड़ित करती है, कोई तो रीजन होगा। तो ये सब पिछले कर्म का बंधा, वो हमें जो है वापस करना पड़ता है। इसे जब भी बुरा वक्त है, दैट इज द बेस्ट वक्त, क्योंकि वो जो है इंट्रोस्पेक्ट करता है आदमी और सीखता है। दूसरी बात यह है कि वही बात है कि यार याद क्यों नहीं आता, कई बार ना बुरा हमारे साथ हो गया, हमने तो किसी का बुरा किया, ये आम बात। अब सर जी मैंने आपको समझ लो कुछ बुरा कह दिया, 10 दिन में याद रखूंगा, 50 दिन में याद रखूंगा, 2 दिन में याद रखूंगा, आप हो सकता है 20 साल याद रखो, क्योंकि आपके साथ मैंने बुरा किया, लेकिन 20 साल बाद आप भी भूल जाओ, मैं तो जल्दी भूलूंगा, क्योंकि मैंने बुरा, मेरे साथ आदमी याद वही रखता है, वो चीज उसका नेगेटिव, अच्छी बात कम याद रख। मेरे पास 2 आंखें हैं, 2 टांगे हैं, मैं चलता हूँ फर्स्ट क्लास, इतनी अच्छी चीज है मेरे पास यार, मैं जरा जरा सी बात पे रोता हूँ, ये मैं रोता हूँ,
मेरे पास नहीं आया, मेरे को इच्छा है पाने की ना, तो नेगेटिव बात याद रहती है। अब आपके जब अब ये जो जो मैंने किया है वो वापस आएगा जो सर मेरे ऊपर, फिर मैं क्योंकि भूल चुका होता हूँ, मेरे को पता यार ये मेरे साथ क्यों, अरे भाई तुम भूल चुके भाई, हुआ किया तुम, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आत्माएं बढ़ रही है सर, ये इसका भी जवाब होता है। हम कहते हैं परलोक गए, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन से लोग से आए हुआ, डोंट माइंड इट, बट इट कैन बी अंडरस्टैंड थाउजेंड्स ऑफ अर्थ मोर, वी डोंट नो दैट, इसका कोई मालूम नहीं है। इसका भी इंप्रेशन मिलते हैं, मैं सिर्फ आपको ये जो बात कह रहा हूँ मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, रिव्यूज है हमारे, ओपिनियंस हैं, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस वी हैव गॉन थ्रू, यू गो टू द पिरामिड्स, द ग्रेट पिरामिड्स, यू विल फाइंड द सेम आर्किटेक्चर विच यू फाइंड इन इंडिया, विच यू फाइंड इन अंकोर वाट, विच यू फाइंड इन डेजर्ट्स, यू फाइंड कमल के फूल बने हुए, डेजर्ट में कमल का फूल का मतलब है, हवाई जहाज बने हुए हैं वहां पर या हेलीकॉप्टर बने हुए हैं, इसमें फोटो बनी हुई है ये ग्रेट पिरामिड्स के अंदर, और ग्रेट पिरामिड्स के जो आप आर्किटेक्चर देखोगे तो जो आज के आर्किटेक्चर बोलते हैं हमारे पास है, एंड दे आर अर्थक्वेक प्रूफ, 5000 साल से वो है, अभी ये बुर्ज खलीफे बनाना डिगड़े बने हुए हैं, ये 5000 साल नहीं चलेंगे भाई साहब, जो लाल किला है ये नहीं चले, लाल किला चलेगा, आज के टावर्स नहीं चलेंगे भाई, आर्किटेक्चर इज वो ठीक है, सिस्टम बदल गया है, अब हमको बिजली चाहिए, फलाना चाहिए, डिगड़ा चाहिए, उसके लिए हमारे को डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए, वो एक अलग इशू है, जल्दी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी थी तो वो टेक्नोलॉजी जो आज वो नहीं उनको समझ में आ रही कैसे होगी, पत्थर बिल्कुल सीधा तराशो भाई साहब, जैसे आरी से काटा, और आरी थी नहीं, साउथ में एक मंदिर है कोई शिव जी का, पूरे एक पत्थर में से तराश के सिंगल पीस में बनाया हुआ, नहीं सर वो मध्य प्रदेश में है, नहीं मध्य प्रदेश में नहीं है, वो है औरंगाबाद में, वो है अलोरा, अलोरा वो इन्होंने ऊपर से तराशना शुरू किया नीचे की तरफ से, उसको कोई मुगल एम्पायर ने तोड़ने की कोशिश की, 2 महीने कुछ लोग रहे, एक पत्थर भी नहीं तोड़ पाए, वो भी था ये जो उसका कहते हैं कि बाहर ऐसे बड़े सारे चमत्कार है, एंड नहीं होगा, जैसे वो था ये अभी सोमनाथ का एग्जांपल आपने था, सोमनाथ का एग्जांपल तो थोड़ा गया, सोमनाथ तो बचा नहीं था ना, पूरे तोड़ दिया गया, ये मदुरई में शिवलिंग है उसको कोशिश की थी जी ने, मेरे ख्याल बख्तियार जी ने, उन्हें बहुत तोड़ने की, तोड़ नहीं पाया शिवलिंग को, काफी है यार हिंदुस्तान में कमाल के चमत्कार है, हिंदू ज्वाला जी वाला भी कहते हैं बुझाने की ट्राई की थी, वो सब मैंने देखा नहीं, मैं जा नहीं पाया, सुना मैंने, मैं सुना एक भाई कहते हैं अच्छा जी कमाल की चीज है, मतलब हिंदुस्तान में इतनी कमाल की चीज है, अब जैसे मसूर है ना सर जी, मसूर के जो राजा है, अब उनकी अपनी औलाद नहीं होती, वो गोद ही लेना पड़ेगा, उसकी औलाद नहीं होती फिर गोद लेना पड़ेगा, शराब है, सिंधिया है उनको 52 से 54 साल के बीच में शराब है, मरेगा ही मरेगा, अब जैसे ये है सिंधिया है, ये भी मतलब 50 के नेड़े देड़े आने वाला है, बस इसका भी काउंट डाउन पूरा है भाई, ये 52-53 में 2-3 साल का, 2001 में मेरी मदर की डेथ हुई थी 30 सितंबर 2001 को, उसी दिन सिंधिया की डेथ हुई थी, तो मेरे को जाना था 15-20 दिन बाद ग्वालियर में गया, तो वहां के लोगों ने बताया था ये तो उनको शराब है, पता नहीं सर कितनी है हिंदुस्तान से, जहां जाते हैं नई नई चीजें पता चलती है, सन टेम्पल के बाद चाइनीज की फूड बनी मूर्तियां बनी, ड्रैगन्स की सॉरी नॉट चाइनीज, मतलब चाइनीज कल्चर का इंप्रेशन है, सर तो ऐसे जो ज्योतिष में ऋण है मतलब वो सही है, ऐसे बोलते पितृ ऋण है और ये तो कनेक्टिविटी जोड़ के बोलते हैं, उसको दूसरी बात कर देते हैं, वो कहते हैं पितर का ऋण है, जैसे पता पितर का श्राप हो गया जी, पता नहीं उसको इस तरह ऋण तो है ही ना, पिछले जन्म का ऋण लेके निकले हम, वो कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना यार, ये तो कह रहे हैं पितरी दोष है आप में, पूजा करो क्या पूजा, भगवान कृष्ण ने कहा बोला पूजा करो भाई, कर्म की बात भी कहीं हुई नहीं, कहीं पूजा की बात, पूजा तो चलेगी स्कूल हुआ अमेरिका चली, लायर जोशी सारे लायर Thank you.
हर आदमी झूठ बोलता, कोई नहीं सच बोलता। मेरी बीवी ने अगर बोला होता कि एक बजे आइटम पहुंचा दो, जाहिर बात है मेरे को याद रहनी नहीं, तो एक बजे वो पूछे हाँ और बस आ रही है बट डर के मारे झूठ बोल रहा हूँ। ये उसका एग्जाम्पल है, ये वो वाला एग्जाम्पल है जिसमें आदमी झूठ बोल के दूसरों को परेशान करने का। वो ये दोनों हाँ साथ दोनों चाहिए, होना जरूरी है एंड 6 से 12। और दूसरा ये असेंडेंट लॉर्ड या प्लैनेट असेंडेंट शुड बी आल्सो 6 से 12 तभी। ये जो मतलब जिनको गलत चीज खाने पीने की आदत हो जाती है, डिप्रेशन और एंग्जायटी, ड्रिंकिंग, एडिक्शन। इसमें सर ये आइदर और नहीं है, दोनों कंडीशन होगी। राकेश इन सेकेंड हाउस सिग्निफाई 6/12 और असेंडेंट में 7/12 2168 होना चाहिए। मैक्सिमम प्लैनेट्स में 2168 7/8/12 में से कुछ होना चाहिए। आदमी दारू एक्सेसिव तभी पीता है जब वो मेंटली सुकून महसूस करता। हमारे तो दिमाग को सुकून है, दारू पी लो तब सुकून, तो फिर आदमी को लगे क्यों पी रहे हैं यार भाई। जिसको एंग्जाइटी हो गई शुरू जब दारू पिएगा वो रहे, तो उसको फिर जो है दारू जब उतरती है फिर पीने का दिल करता है, इसलिए उसको एडिक्शन होती है। सर जैसे कोई बिल्डिंग में अगर मर जाता है तो कभी कभी बिल्डिंग बहुत डर लगता है ना, यानी वो आत्मा बुरी होती है ना? बुरी नहीं होती मैडम जी, अभी इस बता दें कि जो असमय डेथ हो जाती है उसका उस आत्मा पे इम्प्रेशन आसानी से खत्म नहीं, उसका इम्प्रेशन खत्म होता है जब तक उसकी पूरी लाइफ का एक साइकिल पूरा होता है। जैसे ये 26/11 के अंदर जो ताज के जो लोड डेथ हुई है वो 2 फ्लोर जो है हॉन्टेड है, उसमें आत्माएं विचरण करती हैं वाली जिनकी डेथ हुई थी, तो तभी मुक्त होगी जब उनका पूरा जो है टाइम पीरियड जो डेजिगनेटेड उन तब इम्प्रेशन खत्म होगा, तो उनको अभी भी वो वहां पर तड़पती हैं वहां। इनफैक्ट जैसे हमारे मिथोलॉजी के अंदर श्राद्ध कहते हैं तो डज दैट एक्चुअली वो सर सबका अपना अपना व्यू है, व्यू थोड़ा सा अलग सा रहता है अपनी समझ से। हम लोग मानते हैं जैसे सर एक कुंडली लगाएंगे सर, उसमें चेक करना है कि क्या लॉयर का चांसेस है या नहीं है। ठीक है सर। एक हेजिटेटेड पर्सन जो कंफ्यूजन रहती है मन में समय भूलता नहीं है। अच्छा अभी दोबारा एक सेशन हो रहा है सर, मेरा क्वेश्चन रह गया सर, वो आत्मा बिल्डिंग ही रहेगी है? वो आत्मा बिल्डिंग ही रहेगी अभी? हाँ जी बिल्डिंग में रहेंगी जी। हाँ वो छोड़ेंगे नहीं उसको, जब वो मुक्त हो जाएंगी 20 साल 25 साल 50 साल जो भी उनका जीवन बाकी बचा तब जाके मुक्त होंगी, तभी वो बिल्डिंग। सर पहले हस्बैंड की डेथ हुई, बाद में 3 महीने के बाद फिर उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, उनके 2 बच्चे थे, वो MLA उनके बड़े भाई MLA है हमारे बिल्डिंग में, उनके भाई थे सर। वो उनके ऊपर वाले फ्लोर पे इतना डर लगता है, वो बहुत डर लगता है। किसको डर लगता है? सबको लगता है, पूरी बिल्डिंग सोसाइटी सबको डर लगने से मतलब नहीं है ना बहन जी, वो तो अलग बात होगी ना, बात है कि आत्मा वहाँ है या नहीं उसकी बात करूँ ना। एक ये हो गया जो है ना जिद्दी का जो आप कह रहे हैं वो ये है डिटर्मिनेशन। नेगेटिव अगर होती है तो हम उसको जिद्दी कहेंगे, पॉजिटिव है तो हम उसको डिटर्मिनेशन कहते हैं, बात बन जाती है। गांधी वाज ए जिद्दी आदमी या डिटरमिंड आदमी, करना तो कर रहा है, हमारे साथ जिद्दी था वो डिटरमिंड आदमी था, हमारे हिसाब से जो गांधी था वो जिद्दी आदमी था। नहीं सारे प्लान मेजोरिटी प्लान, ये भी उसमें है गांधी जी की जन्म पत्री में है, शनि सेकंड हाउस में बुक ये लिखी माई एक्सपीरियंस इज विद ट्रुथ। आप उसी चीज पे बोलोगे ना जो चीज आपने नहीं हुई,
क्वेश्चन, तो इसका मतलब झूठा वही बीच करोगे आप सच। सर जैसे कि ज्यादातर प्लेयर्स चैट वाला लिटिगेशन के लिए दिखा रहे हैं, बट राहु केतु नहीं दिखा रहा, तो सर नहीं होगा फिर? नहीं होगा फिर बच के। हाँ जी सर जी बताओ। शनि राहु केतु जन्म लगा ठीक है तो उसको मेजर कोई जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी, इंक्लूडिंग लिटिगेशन, डिवोर्स भी नहीं हो सकता। ये तो तीन चाहिए चाहिए हमको। तो बताना सर जी, कोई भी नेगेटिव अभी धीरे धीरे करते जाएंगे ना सर। 12/11/2001 1845 दैट इज पाली राजस्थान। सर मैं तो वही देखना है, साथ में प्रोफेशन एक कॉम्बिनेशन होने चाहिए, वो तो है सर, वो तो है, तो इसका मतलब लॉयर बन सकता है, बन सकता है। और एक मास कम्युनिकेशन अगर देखें सर तो वो हमें 3 के साथ देख रहे हैं, 3 के साथ 11 वगैरह ना, जर्नलिज्म वाला नहीं है, नहीं है इसका 3 फूटे फूटे से है, पूरे नहीं है। इसका मतलब ये ना सर, आप तो टेक्नोलॉजी हर कोई यूज कर रहा है, मैं भी तो कर ही रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के थ्रू गेम के लिए मैं 3/11 होना चाहिए। 3/11 करेंगे नेक्स्ट क्लास में सर, ठीक है, छुट्टी करते हैं आप, नेक्स्ट क्लास नहीं है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आएगी।